I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. सॉरी सर, हम लोग उन्हें ढूंढने में नाकामयाब रहे। हम हर जगह गए पर कहीं पता नहीं चला। स्टेट इंटेलिजेंस के मुताबिक हमें जो खबर मिली है वो इंटेलिजेंस की ऐसी की तैसी। राज्य में इंटेलिजेंस कानून नाम की कोई चीज रही नहीं गई है। अगर होती तो हमें यहाँ इकट्ठा होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जगदीश अपने तीन MLAs के साथ क्या कह रहा है जानते हो? कि सरकार से वो अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। वो क्यों ऐसा कह रहे हैं कुछ पता नहीं, और ऊपर से तुम्हारा पुलिस डिपार्टमेंट ढंग से काम नहीं कर रहा। पता नहीं कहाँ जाकर छुपे बैठे हैं कि उनका फोन भी नहीं लग रहा, और आपका डिपार्टमेंट कुछ भी पता लगाने में असमर्थ है। टोटल इंटेलिजेंस फेलियर। इस डिपार्टमेंट के DG और उनकी टीम को इस केस से हटाना होगा। पुलिस को इस मामले में घसीटने से क्या फायदा होने वाला है? जो होना था वो तो हो गया। इस क्राइसिस से कैसे निपटा जाए अब हमें इस पर ध्यान देना होगा। इतना आसान काम नहीं है अजय साहब। जगदीश और उनके साथ जो 3 MLA है ना, वो इतने अड़ियल है कि चाहे कुछ भी कर लो वो टस से मस नहीं होने वाले। अब ऐसे हालात में हमारी सरकार तो गिरेगी ही गिरेगी, चाहे कुछ भी कर लो। आज की रात, कल का दिन और कल की रात, अभी 40 घंटे और हैं हमारे पास। अगर हम कोशिश करते रहें तो रास्ता जरूर मिलेगा। फादर, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं उस रात के बारे में सोच रहा हूं। उस रात इस धरती पर एक नई शक्ति का जन्म हुआ था। उसका जन्म लोगों के कल्याण के लिए था। वैसा ही एक इंसान मेरे दिल में बसा हुआ है, माधव। माधव जी? ऊंच नीच, धर्म अधर्म, सबको सही रास्ता दिखाने वाला एक इंसान जिसे आप सब चंद्रगिरी के माधव के नाम से भी जानते हैं। हाथी जितना ही बलशाली है। लोगों की सहायता करने की जब बात आती है तो वो सबसे 4 कदम आगे ही रहता है। साहसी पुरुष। आप सबने भी माधव की सहायता कभी ना कभी जरूर ली, और उसने हमेशा आपको हर खतरे से बचाया भी। चर्च के प्रतिनिधियों को लेकर कॉलेज के लड़कों ने अपोजिशन के कहने पर जब स्ट्राइक किया था तब परिस्थिति बहुत खराब हुई थी, और माधव ने ही हमारी कुर्सी की लाज रखी, और सारे नेताओं ने मिलकर चर्च का सहारा लेकर अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश की, पर माधव ने इस बार भी अगर कोई करेगा तो सिर्फ माधव। मेरी बात सुनो जी। तुम मुख्यमंत्री हो, तुम्हें खुद जाकर उसे मिलना होगा जी। हम सारे चर्च के लोग प्रार्थना करेंगे, माधव आपकी रक्षा करें। हाथियों की सिफारिश की है रथ यात्रा के लिए। 15 हाथी आपको मिल जाएंगे, और वहाँ पर पेरुवनम, मत्तनूर और किलूर के कुछ अधिकारी भी होंगे। इन सब के लिए 7 दिनों तक 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था होगी। यात्रा जब तक चलता रहेगा तब तक मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान भूखा रहे। इसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए तो शंकर जी उसकी व्यवस्था कर देंगे। ठीक है माधव भैया। माधव भैया, CM साहब आए। CM साहब आए हैं, आपसे मिलने के लिए आए। माधव जी आइए सर, प्लीज। नमस्ते जगदीश जी। और 3 MLA कहाँ गायब हो गए यही जानना है ना? क्यों? तो माधव जी को सब कुछ पता चल चुका है। मदद कीजिए आप। शंकर जी, आप तो जानते ही हैं पिछली बार मैं कुछ ही महीनों के लिए CM की कुर्सी पर बैठ पाया था।
और अगर इस बार भी ऐसा ही हुआ तब तो मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा कि मैं सीएम की कुर्सी के लायक नहीं हूँ। आने वाले दो दिनों में मेरी पार्टी असेंबली का सेशन शुरू करने वाली है। आपसे गुजारिश है कि इससे पहले ही अगर ये मामला सेट हो जाए तो। आप डरिए मत, कोई भी अनहोनी नहीं होगी। आपकी जो सरकार है ना, गिरने वाली नहीं है। बस यही तो चाहिए था मुझे जो मिल गया आपसे, तो अब आज्ञा दीजिए। क्या हुआ? मैंने उस जगदीश के रिश्तेदारों और संबंधियों को फोन किया मगर कुछ भी पता नहीं चल पाया। जमाल, अगर कोई भी छुपा बैठा होगा तो वो कभी भी रिश्तेदारों या अपने संबंधियों को फोन नहीं करने वाला। उसके साथ वो एक औरत थी ना, क्या नाम था, राधिका प्रसाद या सुधा देवी, कोई महिला मंडल वाली थी। राधिका प्रसाद, वो अपनी जगदीश जी वाली। हाँ वही, पता करो उसका। हेलो, हाँ जमाल बोल रहा हूँ। हमारा शक बिल्कुल सही निकला, उस औरत को उसने 3 बार फोन किया था, फिलहाल वो बिल्लारी में है। जमाल, हाँ, गाड़ी निकालो। इस गाड़ी में और कितने आदमी हैं? पता चला है कुछ खतरनाक लोग बेल्लारी की सीमा में दाखिल हुए हैं। इतनी दूर आने वाले तुम आखिर हो कौन? पुलिस वाले? नहीं। तुम जो भी हो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम यहाँ किसके लिए आए हो। जगदीश जी के लिए। पर अफसोस, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ हेमलता का ही राज है। यहाँ से कोई भी आदमी बिना मेरी परमिशन के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता, समझ गए? तो अगर बढ़ाया तो? ये केरला नहीं है, कर्नाटक है। हीरोइज्म दिखाने की जरूरत नहीं। अगर जान बचानी है तो जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से निकल जाओ, नहीं तो तेरा भूजा खोल दूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था गाड़ी के अंदर आप हैं। मुझे माफ कर दीजिए। ये कौन है पता है? मेरे भगवान, मेरे भगवान है। अरे तुम सब लोग खड़े क्यों हो? जाओ जाकर कुर्सी ले आओ, जाओ। अरे उस जगदीश के लिए भैया, आप इतनी दूर तक यहाँ पे क्यों चले आए? एक फोन ही आप कर देते, मैं खुद उसे लेकर चली आती। जानते हो, श्री मंगलापुरम रूट में मेरा ट्रक का धंधा था। एक दिन मेरे सारे ट्रक्स पुलिस ने सीज कर दिए, बहुत बड़ा केस हुआ। और जब मैं कमलापुरम में थी तो बिना वारंट के मुझे कस्टडी में डाल दिया, सीधा कोर्ट और जेल। हो तब एक ही शख्स था जिसने मेरी मदद की, और वो थे ये माधव भैया। तब से मैं इनका एहसान चुकाना चाहती थी, और देखो आज भगवान ने मुझे कितना अच्छा मौका दिया है। हे सारे एमएलएस को लेकर आओ। माधव भैया मेरे भगवान हैं। अगर तुम में से किसी ने भी इन्हें नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें काट कर रख दूंगी, समझ गए ना रंग बदलने वाले मंत्रियों? हमारे पास समय बहुत कम है, चलिए चलते हैं। देखिए, उससे पहले माधव भैया को सुनना होगा कि हमें क्या कहें। इलेक्शन जीतने से पहले जिन लोगों ने मुझसे वादा किया था, खासकर प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कमेटी के प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट में पार्टी लीडर, इलेक्शन से पहले सबने मुझसे वादा किया था, पर जब सत्ता हासिल हुई तो सब के सब भूल गए। अब इस गलती को सुधारना है। मुझसे उन लोगों ने जो भी वादे किए थे, अब आपकी जिम्मेदारी है कि उन वादों को मेरे लिए पूरा करो। आप कहेंगे तो सीएम जरूर मानेंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिले यही मेरा सपना है। उन्होंने अगर तुम्हें वादा किया है तो वो जरूर पूरा करेंगे। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भूलना होगा।
जिस किसी ने भी आज तक मुझे ये कहा उसने मुझे धोखा ही दिया है। अगर सीएम साहब चाहते हैं कि वो इस लिस्ट में न रहे तो उन्हें ये भूलना होगा। मुझे हमेशा एक दोस्त की तरह रहना पसंद है। जैसा आप चाहे। नमस्ते। Calm down. What is your problem? Who are you kidnapping? Huh? I said get out of our way. Huh? क्या समझ रखा? ये तुम्हारे बाप का एरिया है जो सुबह सुबह किसी का किडनैप करने निकल पड़े हा? वो जो भी है उसे चुपचाप छोड़ दो। I said get the hell out of here. और ये क्या कर रहे हो? We are from Central Excise. We have a warrant for this man. वो एक पुराना मुजरिम है, जानते हो? I'm sorry sir, पर मैंने इनसे कई बार पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, इन्हें कोई जवाब नहीं दिया तो मुझे लगा कि ये किसी को किडनैप कर रहे हैं, इसलिए मैं बीच में पड़ गया। सर मेरा मकसद आपके आपके काम के बीच में टांग अड़ाना नहीं था। What's the problem? क्या बात हुई? हम बात करें इनसे? तो ये बात है, पूरी गैंग है यहाँ पर। सर गैंग नहीं, हम स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पढ़ने आए हैं। कहाँ से पढ़ने आए हो? सर हम लोग केरल से पढ़ने आए हैं यहाँ पर। केरल में कहाँ से? केरल में चंद्रगिरी गांव से सर। चंद्रगिरी में कहाँ? चंद्रगिरी में वो गोविंद सिंह जी का बेटा है ना, माधव सिंह। सर यू कैरी ऑन। तुम माधव भैया के बेटे हो? हाँ। अरे वाह, लेकिन तुम ये सब क्या कर रहे हो? सर आप मेरे पापा को जानते हैं? अच्छी तरह से जानता हूँ, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की है, भगवान की तरह मानता हूँ उन्हें। उन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था, आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इस यूनिफॉर्म को ध्यान से देखो। नीलगढ़ के एक छोटे से गांव के एक स्टेट मैनेजर का ये बेटा आज अगर इस पोजीशन पे पहुंच पाया है तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है, माधव भैया। सरकारी काम में दखल दे रहे हो, चाहो तो तुम्हें अंदर कर सकता हूँ, पर तुम जाओ, डिपार्टमेंट को समझा दूंगा कि तुम एक स्टूडेंट हो, शरीफ घर से हो, जाओ। और हाँ, मुझे यहाँ कर मिलना, मैं वो बैठकर बातें करेंगे। चंद्रगिरी के माधव भैया। फोन उठाने में देर क्यों हुई? अरे नहीं पापा, वो मैं पढ़ाई कर रहा था ना, एग्जाम नजदीक आ रहा है इसलिए फोन नहीं उठा पाए। इस सेमेस्टर के साथ ही तुम्हारा ये कोर्स खत्म हो जाएगा ना? नहीं पापा, मुझे आगे पोस्ट ग्रेजुएशन में करना है। मुझे जरा एक सवाल का जवाब देना, कोस्ट गार्ड में कितने प्रकार के जहाज होते हैं? कोस्ट गार्ड गए तेल लेने। एक्चुअली मेरे दोस्त आए हुए हैं पापा, उन्हें कुछ डाउट था तो यहाँ पर वो मुझसे कुछ पूछने आ गए। मैं यहाँ का बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट हूँ ना, तो सब लोग मुझसे पूछते हैं। हाँ समझ गया, तुम स्कॉलर हो ना इसलिए सब तुम्हारे पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स क्लियर करने, जैसा तुमने कहा। हाँ वही पापा, सुबह जो तुमने किया वो दोबारा नहीं होना चाहिए।
क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो मुझसे? पापा अगली बार ख्याल रखना। ठीक है पापा, अब ऐसा नहीं करूंगा। अच्छा फोन रखता हूँ पापा। क्या कहा आपने? अब वो नहीं, मैं अच्छा ठीक है अब... ओके फोन रखता हूँ। क्या हुआ यार? वीएस नायर सर ने कुछ नहीं कहा, पर पापा को सब कुछ पता चल गया। उन्होंने ऑर्डर दिया कि मैं कल के कल घर पहुंच जाऊं, कल सुबह उनके सामने हाजिरी देनी है। तो फिर तुम्हारा ये कोर्स? वो मेरी पढ़ाई छुड़ाने के लिए यहाँ से मुझे गांव नहीं बुला रहे हैं। दरअसल गांव में एक फंक्शन है और वो चाहते हैं कि मैं फंक्शन में रहूं। फिलहाल ये बात नंदा को पता न चले। अगर उसने मेरे साथ आने का फैसला कर लिया ना, तब तो बैंड बज जाएगी मेरी। चलो कल सुबह 6 बजे मैं अपने गाँव पहुँच जाऊंगा, जिसका नाम है चंद्रगिरी। बहुत ही प्यारा गाँव है वो। अजय आ गया। इतना भाग कर आने की क्या जरूरत थी बेटा? वो ठोकर लग गई। हाँ ठीक है अंदर। इस महीने यहाँ से गए थे और पूरे 1 साल बाद वापस आए। पढ़ाई कर रहा हूँ ना लज्जो, इसलिए बार बार आना बहुत मुश्किल होता है। कब पूरी होगी तुम्हारी पढ़ाई? पता नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो 10 साल और लगेंगे। सही कहा ना लज्जो, तुम यहाँ से जाओ। बंधु, ईश्वर ने तुम्हें इतनी अच्छी बॉडी दी है किसी को घूरने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने के लिए। मैंने क्या किया? सुन लो जमाल, पापा को बिना बताए कितनी बार मैंने तुम्हारी मदद की, याद है तुम्हें? और तुम्हें याद है वो मैं करोड़पति मूसा हाजी की इकलौती बेटी के प्यार में किस कदर पागल थे तुम? उस समय चंद्रगिरी के माधव का ये बेटा बहुत ही बेवकूफ था, जो तुम्हारी मदद की और उस लड़के को उठाकर तुम्हारे सामने लापटका, क्योंकि वो लड़का तुम जैसे लोगों की तरह छोटे दिल वाला नहीं था, और साथ ही वो लड़का बहुत भोला भी था, जिसे तुम लोगों ने बेवकूफ बनाया। लेकिन बंधु, एक दिन आएगा जब मैं एक एक चीज का हिसाब चुन चुन कर लूंगा। समझ गए? पापा ने तुम्हें तैयार होने को कहा है, मंदिर जाना है। होता हूँ। देख लेना, इस बार त्योहार में हमारे ही फटाकों की धूम होगी, सब लोग याद रखेंगे। चंद्रगिरी में जितने भी बुड्ढे खूसट होंगे ना, धमाकों की आवाज सुन करके सब अपने दिन गिनने लगेंगे। मुकुंद बेटा, यही मौका है पुरानी दुश्मनी भूलने का। क्यों भूले पंडित, हम दोनों के सारे धंधे बंद करवा दिए उसने, और अभी भी हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। देखना, ये मौका मैं किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा, उसकी तो मैं बैंड बजा दूंगा, बहुत जल्दी उसके फोटो पे माला चढ़वा दूंगा। देख लेना रघु, इस बार जब ये त्योहार आएगा तो कितने लोगों को ऊपर पहुंचा देगा। ऐसी प्लानिंग की है मैंने कि माधव का परिवार हमेशा मेरे नाम पे रोता रहेगा। इस बार तो माधव की हार एकदम पक्की है।
अंदर कहाँ जा रही हो? Where is अज्जू? कौन? अज्जू को नहीं जानती? अज्जू? अजय? अजय माधव? हाँ, अजय तो यहीं पर रहता है, पर आप कौन? पहले मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो, दूसरे सवाल मत पूछो। यही मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ। तुम काम वाली हो? काम वाली हूँ मैं? देखो, काम वाली को सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। पौधों को पानी डालना, सारे बर्तन धोना, कपड़े अच्छे से धोना, घर को साफ रखना और इसके बाद खाना बनाना, यही तो कामवाली का काम है। मेहमानों की पूछताछ करना उसका काम नहीं है। डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर टू यू? अंकल, गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। अज्जू कहाँ है? अंदर है। बाय। तो साहब यहाँ आराम फरमा रहे हैं, हम भी दिखाती हूँ। हाँ बोलो। अज्जू की बेंगलुरु की बेंगलुरु की उसकी दोस्त है। अच्छी दोस्त। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। रास्ते में तकलीफ तो नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं हुई आका। नहीं अंकल। यहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे हो? इन सबको अंदर लेकर जाओ। त्योहार शुरू होने वाले हैं, तीन चार दिन ये यहीं रहेंगे। तुम्हें बिना बताए ही नहीं यहाँ बुला लिया, कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हमें देखकर खुश हुआ है ना अज्जू? तुम्हारे पापा को तुमसे ज्यादा तमीज है, उन्होंने हमारे लिए स्पेशल गाड़ी भी भेजी अपने खास आदमी के साथ। अज्जू, इन लोगों को कहाँ ठहरा? नीचे वाले गेस्ट रूम में। अज्जू की बेंगलुरु की उसकी दोस्त है। ये क्या भाई? Just for a change. ये बताओ कैसी लगी तुम्हें लज्जो? बहुत कमाल की लुक बंदी है, अज्जू लज्जो स्वीट ने। क्यों भाई, लज्जो के लिए घोड़ी चढ़ने वाले हो? अरे ऐसा कुछ नहीं यार। तो तुम उससे शादी करोगे? अरे वो बात दरअसल ये है कि वो मेरे पापा के दोस्त की बेटी है। एक एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा गुजर गए थे, तब से वो यहीं पर है। वो मेरे साथ ही पली बड़ी है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम लोग सोच रहे हो। सब लोग नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आ रहा हूँ। सब तैयार हो जाओ, आज हमारे ग्राम देवता को आभूषणों से सजाने वाले हैं। बहुत ही देखने लायक नजारा होगा। शुड बी इंटरेस्टिंग। ज्यादा मत सोचो, अज्जू के लिए उसके मन में जरूर कुछ खास जगह है, शायद वो प्यार भी हो सकता है। यू बेटर बी केयरफुल। अरे वाह बेटा, ये ले लो, इधर आओ। हां हां जी, हां वो लड़की कहां है? अज्जू चलो इधर आओ। Oh, 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 oh
अब इन जेवरों से देवता को सजाया जाएगा। माधव भैया, माधव भैया, माधव भैया, मुझे वो नहीं जीना है, मुझे मरने की आज्ञा दीजिए। कादर पहले बताओ हुआ क्या है? आप तो जानते हैं मेरी बेटी की शादी है, जो थोड़ी बहुत जमीन थी मेरे पास वो सारी मैंने बैंक में गिरवी रख दी थी। उस जमीन को बेचकर कादर भाई अपनी बेटी की शादी करने वाले थे। तो समस्या क्या है? जब मैं जमीन के कागज लैंड ऑफिसर के पास लेके गया तो उस ऑफिसर ने मुझसे कहा कि ये जमीन सरकार की है। सुना है वहाँ कोई प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। कैसा प्रोजेक्ट? ये तो पता नहीं, लेकिन सिर्फ इनकी जमीन नहीं, आसपास की सारी जमीन सरकार लेने वाली है। उस जमीन को बेचे बिना मैं बेटी की शादी नहीं कर पाऊंगा, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। घबराने की जरूरत नहीं है कादर, जमीन की वजह से तुम्हारी बेटी की शादी कभी नहीं रुकने वाली। मुझे ये भी जानना है कि मेरी जानकारी के बिना कौन सा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। जमाल, गाड़ी निकालो। यहाँ बहुत चलती है। मतलब कि तुम्हारे पापा यहाँ पर पैरेलल सरकार चला रहे हैं? नहीं, वो सरकार का ही काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में केंद्र सरकार भी पूरी तरह से नहीं जानती है, क्योंकि इन सब में जिसका हाथ है वो है अपने रेवेन्यू मिनिस्टर जगदीश जी। कि यहाँ लोगों की जमीन को लेकर उनके साथ बहस चल रही होगी, लेकिन यहाँ तो पार्टी चल रही है। इसे पूछकर तुम यहाँ अंदर घुसे चले आए? तुमसे मिलने के लिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत है। देखो माधव, तुम्हारी गुंडागिरी तुम्हारे घर पर ही चलती होगी। यहाँ मेरा राज है, यहाँ जो भी होगा मेरी मर्जी के हिसाब से ही होगा। अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से बाहर निकल जाओ। बिल्लारी, लगता है एहसान भूल गए हो। जब दो बड़े लोग बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, और इन सब से वैसे भी तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अगर बीच में टांग अड़ाए ना तो तुम दोनों की लाशें बिछा दूंगा, कब्रिस्तान में एक नहीं दो जगह ढूंढनी होगी इसकी और तुम्हारी। अब मुझे इसकी जानकारी दो कि मुझे बताए बिना ये प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ, और जहाँ तक जमीन की बात है कोई भी किसान या मजदूर तुम्हें इस फालतू प्रोजेक्ट के लिए जमीन नहीं देगा। ये प्रोजेक्ट कोई फालतू प्रोजेक्ट नहीं है, ये उसी प्रोजेक्ट के मुख्य अधिकारी है। अरे तेल लेने गए तेरे अधिकारी, यहाँ ना कभी कोई प्रोजेक्ट हुआ है और ना होगा। अब जो तुम्हें करना है वो कर लो, तुम्हें जो करना है वो कर लो। सरकार हम है और फैसला हम ही करेंगे। देखो, इस तरह के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ही जनता ने हमें चुनाव में जिताया है, हम उसे जरूर पूरा करेंगे। और अगर तुम बीच में आने की कोशिश करोगे तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देख लूंगा, लेकिन तुम्हें ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं करने दूंगा जिसमें तुम इन लफंगों को शामिल करोगे। तुम्हारी किसी भी मनमानी को मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। माधव जो सोचता है वो बोलता है, और जो बोलता है वो करता है। तुम दोनों के भरोसे ही मैंने इतना बड़ा कदम उठाया, वो बीच में आया तो तुम दोनों उससे निपट लोगे ना? आप डरिए मत, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी वो जितना उड़ रहा है उड़ने दीजिए, उसके पर काट देंगे, ठीक है? हम दोनों सब संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अरे अज्जू साहब आए हैं। क्या हुआ अज्जू साहब, अपने दोस्तों को पूरे गांव घुमा रहे हैं? बहुत दूर से आए हैं ना ये। बाप इतना बड़ा आदमी है कि जो कहते हैं सारा गांव मानता है। क्यों? सोन, अपने बाप से जाकर कह दे कि हमारे काम में टांग नड़ आए, नहीं तो हम उसकी हालत खराब कर देंगे। और मेरी बात नहीं सुनी ना तो इसी चाकू से मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। समझ गया ना? हाँ, तो हम लोग यहाँ से चलते हैं, ठीक है? आओ चलो। अरे मैंने कहा चलो। चलो। अभी बताता हूँ तुम्हें। खराब कर दिया। सारी उतर गई। चलो। मेरी बात सुन ले, तूने जो हरकत की है उसका बदला तुझसे और तेरे बाप से मैं जरूर लेकर रहूंगा। चैन पर का मुकुंद राव, एक थर्ड ग्रेड क्रिमिनल, वो मेरे पापा की परेशानी का कारण है। तू सिर्फ हाँ बोल यार,
हम उनकी सारी हेकड़े निकाल कर देखना उन दोनों के ही पिछवाड़े में डाल देंगे। नहीं यार, पापा को ये पसंद नहीं आएगा, और जो पापा को पसंद नहीं आता वो मैं कभी नहीं करता। नंदा, जानती हो मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी बात क्या है? चंद्रगिरी के माधव के बेटे के रूप में जन्म लेना। सही कहा, दुनिया वाले चाहे जो भी सोचे, तुम्हारे पापा वाकई अच्छे हैं। हम तो चले जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े ना तो हमें बस खबर भेज देना तुम। कितना भी बड़ा गुंडा या मवाली क्यों ना हो, हम उसे यूं ठिकाने लगा देंगे। मेरी बस पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, फिर तो यहीं आना है मुझे। पापा के साथ यहीं बस जाऊंगा, लेकिन हमारी दोस्ती और तुम सब लोगों का साथ, ये सब मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन प्रार्थना करता हूं कि ऐसा मौका कभी ना आए। चरण स्पर्श, अब हम चलते हैं। चलता शंकर मामा, अब आप देखिएगा वो लड़की भी पापा के पैर छुएगी। खुश चलते हैं। वो पापा जी के पैर छूकर उनका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती है। तो है वो बाय लज्जो, चलती हूँ। ओके जमाल, फिर मिलते हैं। पहले से ही झंडा दिखा रहा था। क्या कहा? अब गाड़ी पीछे ले लीजिए। पीछे लूं? हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा साथ दीजिए। मेरा साथ मैं दूं? कोई होप है क्या? ये क्या कर रहे हैं आप? गलत कर रहे हैं। ज्यादा बकवास किया तो यही खड़े खड़े तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा। समझा? कूल ब्रदर कूल, इस आदमी को मारकर आपको क्या मिलेगा? ये सिग्नल दे रहा था और आपने गाड़ी आगे कर दी। ये समझाने वाला तू कौन है? तुझे पहचाना नहीं। मैं इस गांव का एक छोटा मोटा निवासी हूँ। बिना बहस किए आप गाड़ी पीछे कीजिए, मेरे दोस्तों को एयरपोर्ट पहुंचना है। अगर लेट हो गए तो उनकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। प्लीज, अगर किसी की गाड़ी आगे जाएगी तो वो मेरी ही गाड़ी जाएगी। ब्रदर, अगर मैं जिद में आ गया तो किसी की भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए प्लीज मेरी बात मान लीजिए। हमें समझाने वाला तू कौन है? मेरी बात मान और अपनी गाड़ी अभी के अभी पीछे ले ले। ब्रदर, मैं अपने बचपन से बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का फैन हूँ, और मेरी गाड़ी पीछे नहीं जाने वाली, क्योंकि उसमें रिवर्स गियर नहीं है। बहुत पहले मैंने टीवी में एक ऐड देखा था, और पता है उस ऐड में जब मैंने वो गाड़ी देखी तो उसी वक्त मैंने ये फैसला कर लिया था कि अगर मैंने कभी गाड़ी ली तो फिर मैं वही गाड़ी लूंगा, वो पीछे वाली। और उस गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं है, तो शराफत से अपनी इस लाल परी को पीछे कर लो। मुझे बोल रहा है पीछे हटने को। देखते क्या हूं, मारो उसे। बीच रास्ते में झगड़ा कर रहे हो? मैं जानता हूं तुमने पी रखी है, ये इंसान को बर्बाद कर देती है। इंसान से शैतान एक मिनट में बना देती है। पर अगर तुम पीते हो तो खुद पर काबू रखना भी सीखो।
जाओ गाड़ी पीछे। फादर मेरी बात सुनिए। तुम बहस मत करो, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। मुझ पर हजारों और लाखों लोग विश्वास करते हैं क्योंकि मैं सबसे प्रेम करता हूँ। उसी प्रेम से गाड़ी निकालो। आप आने वाले ये मुझे पहले बताना चाहिए ना, इतने बूढ़े हो गए हैं फिर भी यहाँ तक आप चले आते हैं। आइए। वो क्या है माधव, शरीर बूढ़ा हो चुका है पर मन नहीं। यहाँ पास में एक परिचित की यहाँ शादी थी, उसे अटेंड करने के बाद मैंने सोचा तुमसे मिलता चलो। इसके अलावा मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी थी। रेवेन्यू मिनिस्टर जगदीश प्रसाद के साथ तुम्हारी कुछ कहा सुनी हुई सुना। ये सब तो चलता रहता है, संभल कर रहना, जहरीला है, बहुत जहरीला। अजगर की तरह कब निगल जाएगा पता नहीं चलेगा। मैं भले ही बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन वहाँ अंदर तुम्हारे खिलाफ क्या खिचड़ी पक रही है मैं सब जानता हूँ बहुत अच्छी तरह। कुछ भी हो जाए इस आदमी से बच कर रहना। आज का जो समय है ना वो पहले वाले समय के जैसा नहीं रहा। हर कदम बहुत ही भूख भूख कर रखना होगा तुम्हें। जानता हूँ फादर, पर मुझे तो लड़ना होगा ही। मैं उन्हें आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये काम इतना आसान नहीं है, बहुत सारे लोगों से जूझना होगा तुम्हें। इन सब लोगों ने मिलकर तुम्हारे खिलाफ जो चक्रव्यूह रचा रखा है उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए कोई अभिमन्यु भी है? रास्ते में? हाँ रास्ते में, वहीं जहाँ सड़क की मरम्मत का काम चल रहा था। एक साइड ब्लॉक था और दूसरी तरफ से गाड़ियाँ चली आ रही थी। मेरी गाड़ी ने जब सिग्नल को क्रॉस किया तो इनकी गाड़ी भी सामने से आ गई, जिसकी वजह से वहाँ पर ट्रैफिक जैम हो गया। फिर मैंने देखा फादर है, बुजुर्ग इंसान है, तो मैंने अपनी गाड़ी पीछे ले ली है ना फादर। माधव, सवाल का जवाब मिल गया मुझे। चक्रव्यूह को भेदने वाला इंसान तो है तुम्हारे पास, यही है वो अभिमन्यु। अगर ये साथ हो तो कोई भी जंग जीती जा सकती है। सही कहा ना? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना? अब नहीं। देखो भले ही मैं क्रिश्चियन फादर हूँ पर भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें मुझे बहुत पसंद है और इसीलिए तुम्हारे पापा और मैं आज साथ हैं। तुम्हारे पापा की कुंडली में गुरु आठवें स्थान पर है, शनि जन्म स्थान पर है। बहुत सी अनहोनी चीजें भी हो सकती हैं, कोई बड़ी आपत्ति आ सकती है, रिश्तों में दरारें पैदा हो सकती हैं। और अब तुम्हें इस अर्जुन का कृष्ण बनकर इन्हें हर संकट से, हर आपत्ति से तुम्हें बचाना होगा। तुम मार्शल आर्ट सीखे हुए हो ना? अब बस थोड़ा बहुत सीखा है। थोड़ा बहुत नहीं बेटा, काफी कुछ सीख चुके हो तुम। आप लोग ये क्या बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं, तुम्हें क्या? लज्जो, बड़े जोरों की भूख लगी है, अब खाना खाया जाए। लज्जो। थैंक्स फादर। किस लिए? सुबह जो हुआ वो आपने पापा को नहीं बताया इसलिए। तुम चाहो जितना भी दान धर्म कर लो लेकिन एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। वो ऊपर वाला सारे कर्मों का हिसाब रखता है और वो ही रक्षा करता है। किसने कहा है? मैथ्यू गॉस्पेल का 6 अध्याय वर्स 3 और 4 में ऐसा लिखा है। वो चंद्रगिरी का माधव, थू,
अच्छा हुआ कि आप लोग समय पर यहाँ पहुँच गए। माधव हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। समझ में नहीं आ रहा था कि उसे रास्ते से कैसे हटाया जाए। अब आप ही लोग कोई रास्ता निकालिए, यही विनती है। वो सब रहने दो, पहले ये बताओ कि बेल्लारी में जो बिजनेस चल रहा है तुम लोगों ने उसके बारे में क्या सोचा है? कर्नाटका के मुख्यमंत्री के अलावा आंध्रा में जो रेड्डी ब्रदर्स हैं, उनके अलावा मगन रेड्डी, उनका बेटा और गुरु एक टीम जैसे हैं। वहाँ हेमलता के गेस्ट हाउस में जब हम रुके हुए थे तब मुझे ये बात पता चली। अरे क्या घर है, हमारे स्टेट का महल भी उसके सामने छोटा पड़ेगा। बेल्लारी में सिर्फ हमारी हुकूमत चलती है, वहाँ पर हमारा राज। भैया हम मिल तो पहली बार रहे हैं लेकिन पहचान पुरानी है। एक बात समझ लीजिए, चंद्रगिरी का माधव सिर्फ आपका दुश्मन नहीं, हमारा वो पुराना दुश्मन है। अतीत में हमारे बीच ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जो अभी तक चुभती हैं यहाँ सीने में। हेमलता के यहाँ से जब आप निकल गए उस समय हम लोग यहाँ स्टेट में नहीं थे, फॉरेन टूर पर गए हुए थे। नहीं तो जानते हैं हम लोग उसे वही दफना कर फेंक देते। आप सबको माधव से बदला लेना है, और मेरी दुश्मनी तो माधव से बहुत पहले से चली आ रही है क्योंकि उसने हमारे सारे धंधे बंद करवा दिए और हमें रास्ते पर ले आया। वैसे आप लोग तो बेल्लारी से हैं तो आपकी माधव से दुश्मनी कैसे? ये एक पुरानी कहानी है, 30 साल पहले ये घटना घटित हुई थी। माधव नाम का एक आदमी सत्ता के बल पर ऐसा मशहूर हुआ कि कोई जवाब ही नहीं, यहाँ तक कि चंद्रगिरी में आज भी हर तरफ उसी आदमी की तूती बोल रही है। माधव के खिलाफ एक आदमी था, सिर्फ वही एक आदमी था जो उस माधव के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखता था, रामदत्त शर्मा, हम तीनों के पिताजी। इस जंग में जीत माधव की हुई और हार हमारे पिताजी की। हारने वाले को अपना घर जमीन छोड़कर जाना था, यही फैसला हुआ था क्योंकि लड़ने के लिए हथियार नहीं थे उनके पास, तो इसीलिए उन्हें बेदखल होना पड़ा। लॉरी में अपना पूरा सामान भरकर हम तीनों के साथ वो निकल पड़े। पापा के चेहरे पर हार का दर्द महसूस किया जा सकता था। पहले मंगलपुर, फिर मैसूर, और उसके बाद उनकी मौत हो गई। एक सरकारी हॉस्पिटल में एक कोने में बेंच पर उनकी लाश पड़ी थी, कोई भी रिश्तेदार वहां नहीं था, सिर्फ मैं था। अपनी अधखुली आंखों से जैसे वो इशारा कर रहे थे, उनके चेहरे पर सिर्फ एक ही नाम लिखा था, माधव। तब से लेकर आज तक मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे और कब उस तक पहुंचे। पैसा, कुर्सी, ओहदा सब जरूरी थे, हमें पता था कि बदला लेने के लिए बाकी चीजों के अलावा इन सब चीजों की जरूरत हमें पड़ेगी। हम भाइयों ने खूब मेहनत की, हमने अच्छे काम भी किए, बुरे काम भी किए, और आज ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोग हासिल ना कर सकते, कुछ भी नहीं। सर, उस दिन जो सड़क पर झगड़ा हुआ था, वो लड़का मिल गया हमें, वो चंद्रगिरी के माधव का बेटा है। सपोला साहब बने उसके पहले उसका भी सर को चलना होगा भाई, सही कहा ना? सही कहा ना? हाँ। आप जानते हैं आते वक्त मैं क्या सोच रहा था? यही सोच रहा था कि ये सफर आखिर इतना लंबा क्यों है। तब मुझे इस बात का पता चला कि समय हर किसी के लिए कुछ ना कुछ सोच कर रखता जरूर है, और समय ये कह रहा है कि उन दोनों की मौत अब निश्चित है। पर बहुत संभल कर रहना होगा, माधव कोई आम इंसान नहीं है। जानता हूँ, हर एक के लिए गोली निर्धारित है, उनके लिए भी है। मरता हुआ माधव जब रहम की भीख मांग रहा होगा उस समय मेरे पिताजी की भटकती हुई आत्मा को जरूर शांति मिलेगी, इसका मुझे पूरा यकीन है। उसके बेटे का तो बेहतर इंतजाम करूंगा। बस इतना ही काफी। जय। लाखों पे जाली नोट है। पीछे पीछे पीछे। आप लोग पीछे आइए। बहुत बड़ा घपला है ये। अब ये तो पता नहीं कि कहाँ पे प्रिंट हुए हैं, पर यहाँ भेजने में जरूर ISI का हाथ होगा। ड्राइवर के बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं सर, जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से वो फरार है।
हमारी तलाश जारी है। तलाश जारी रखो सर, और जैसे ही कुछ पता चले मुझे इन्फॉर्म करो सर। हीरो, कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, गाड़ी चलाते समय हीरो गिरी नहीं। उस एसपी ने चारों तरफ नाकाबंदी कर रखी है इसको पकड़ने के लिए। अब कहाँ छिपाए इस निकम्मे को? घबराने की बात नहीं है, मैं ऐसी जगह छुपाऊंगा कि कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। कौन है आप, यहाँ क्यों आए हैं? हम कौन हैं? ये जानना कोई जरूरी नहीं एसपी साहब। ये बताइए आपको कितना चाहिए? What do you mean? इतना भी नहीं समझते? जितनी पगार मिलती है तुम्हें उसमें घर चलाना भी मुश्किल होता होगा। ये वो काम है जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दाम बोलो। अभी भी नहीं समझे? ठीक है फिर हम समझा देते हैं। जिस फेक करेंसी भरे एम्बुलेंस को तुमने जब्त किया है उसे केस बुक से तुम मिटा दो, फाड़ के फेंक दो। उसके बदले तुम्हें कितना चाहिए वो हमें बता दो। सब कुछ यही खत्म कर दो अभी इसी वक्त। दाम बताओ। तुम लोगों ने मुझे क्या बिकाऊ समझ रखा है? सर पकड़ के भीतर डालो। अगर तूने कॉपरेट नहीं किया तो ऐसी जगह भेजूंगा कि चाकर भी कॉपरेट नहीं कर पाओगे। यही तरीका होता है मेरा। चौबीस घंटे की मोहलत दे रहा हूँ, मतलब एक दिन। मेरी बात मान गए तो ठीक, नहीं तो इस कागज की तरह तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा कि सात पुस्तक नहीं ढूंढ पाएगी। तुम रो क्यों नहीं हो माँ? वो रोएगी चंद्रा, अगर बेटे की जिंदगी खतरे में हो तो माँ जरूर रोएगी। ऐसा कुछ नहीं है सर, वो लक्ष्मीपुर के सदानंद, मुकुंद और उनके साथ तीन लोग और थे। तीन? कौन थे वो तीन लोग? इससे पहले मैंने इन्हें कभी नहीं देखा, पर शायद इनकी पहुंच ऊपर तक है, क्योंकि इस घटना के तुरंत बाद आईजी साहब का मैसेज आया था कि उन पर कोई एक्शन ना हो। अभी तो तुम्हें सिर्फ मैसेज ही आया, इन्वेस्टिगेशन के दौरान हो सकता है तुम्हें सस्पेंड करें या तुम्हारा ट्रांसफर हो जाए। चाहे कोई भी एक्शन ले ले, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा और उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। मुझे जानना है कि वो लोग कौन है, भले ही मुझे सर्विस से डिसमिस कर दिया जाए पर मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला। इतना गुस्से में आकर फैसला मत करो, पागलपन है ये। दुश्मन को कभी खुद से कमजोर नहीं समझना चाहिए। एसपी ऑफिस को जो लोग तहस नहस कर सकते हैं वो साधारण लोग नहीं हो सकते। उन लोगों से लड़ने के लिए तुम्हें सोच बदलनी होगी, दिमाग ठंडा करो। आप ही बताइए माधव भैया कि अब मैं क्या करूं? पापा, इस माँ की आंखों में मैं आगे से कभी आंसू नहीं देखना चाहता। और ठीक उसी तरह हम पड़ोस के गांव में ये जो घटना घटी है एम्बुलेंस वाली, उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तुम कहना क्या चाहते हो? वो जो एडवोकेट है ना आपके दोस्त, उनको फोन कीजिए और उनसे कहिए कि एसपी साहब की मदद से केस को जल्द से जल्द कोर्ट में पुट अप करें। सेक्शन 164, इसके तहत गवाहों को रिकॉर्ड किया जाता है और इनकी गवाही मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड की जाएगी, इसलिए चाहते हुए भी वो गवाहों को बदल नहीं सकता। बहुत बड़ी जांच पड़ताल होगी और ये काम करेगी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। शंकर जी, आप यहाँ ऐसे खड़े क्यों हैं? लॉयर को फोन लगाइए। ठीक है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि एसपी साहब को मैं सही सलामत कोर्ट के अंदर ले जाऊं। ये जमाल की जुबान है। जब डिपार्टमेंट के अपने ही लोग दगा दे तो दुश्मन के सामने इस तरह खाली हाथ जाना अच्छा नहीं होता। रख लो इसे। अब आप यहाँ से जल्दी निकल जाओ। मजीद, तुम अपनी टीम को कोर्ट के पास लेके आओ। अयप्पन से कहो कि कोर्ट तक जाने वाले सारे रास्ते पर नाकाबंदी कर दे। अजू, पापा को पता चल गया? किसी को पता नहीं चलेगा। तुम गाड़ी आगे लो जमाल। चौबीस घंटे खत्म हो चुके हैं। ये है एडवोकेट अरुण हमारे साथ।
गवर्नर, हमारे देश के विषय में कुछ ऐसी संवेदनशील जानकारियां हैं जो बहुत मायने रखती हैं, देश की सुरक्षा से जुड़ी, जिसकी जानकारी हमारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चंद्रशेखर को मिली। उसे हम कोर्ट के सामने पेश करना चाहते हैं। केस की अहमियत को देखते हुए इससे संबंधित गवाही को सेक्शन 164 के तहत रिकॉर्ड किया जाए और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये केस सौंप दिया जाए। बस मुझे यही कहना है। कानून के मुताबिक गवाही देने वाले के साथ लॉयर और जज के अलावा यहाँ कोई भी नहीं रह सकता। बाकी लोग इस कमरे से बाहर चले जाएं। एडवोकेट मनीलाल। एडवोकेट मनीलाल, आपको भी बाहर जाने के लिए कहा। अपॉलोजीज मिलॉर्ड। एसपी चंद्रशेखर से उस दिन तुमने कहा कि तुम उसे छोड़ोगे नहीं, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि तुम वाकई ऐसा कुछ करोगे, पर तुमने कर दिखाया। लेकिन मैजिस्ट्रेट के सामने वो जो गवाही रिकॉर्ड होने वाली थी वो अब नहीं हो पाएगी। अब इस चीज को लेकर ना जाने कितना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा, पता नहीं कितना बड़ा होगा। अरे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, समझे? मरने वाले एसपी चंद्रशेखर और मणिलाल के बीच पहले से दुश्मनी थी। पैसों को लेकर अनबन हुआ करती थी। पीने के बाद उन दोनों में हमेशा झगड़े हुआ करते थे। आने वाले 2-3 दिनों में पुलिस के साथ साथ ये सारी बातें मीडिया में भी पहुंच जाएगी और हमारा ये काम करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट के ही। बाद में सारी बातें दब भी जाएंगी। सही कह रहा हूँ? लेकिन उस वकील ने अगर कहीं मुंह खोल दिया तो? नहीं खोलेगा, कभी भी नहीं खोलेगा, क्योंकि हमारा जो एडवोकेट है उसकी पत्नी के नाम पर हमने बहुत बड़ी जमीन रजिस्टर करवा दी। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वो हमें धोखा नहीं देने वाला। अगर दे भी दिया तो और भी वकील हैं। सेम ओल्ड स्टोरी, कहानी वापस पहले से ही शुरू हो चुकी है। एंड द सेम ओल्ड यही है वो अच्छी। आने दो, सबको आने दो। शिकार करने का मजा भी तभी आता है जब शिकार अपने बिल से बाहर निकल आए। लगता है इस खेल में बहुत मजा आने वाला है। आ जाओ आ जाओ। क्या चाहिए? जिंदगी को खेल समझ लिया है? 3-4 साथी क्या मिल गए तुझे? तूने सोच लिया कि तू अपनी मनमानी करेगा? मरने वाला भले ही एसपी चंद्रशेखर था, लेकिन हार मेरी हुई है और जीतने के लिए मैं तुझे मार दूंगा। मारूं? अगर ये ट्रिगर दब गया ना तो तेरी इस खाली खोपड़ी के चीखड़े उड़ जाएंगे। उस एसपी की 13वीं के साथ तेरी भी 13वीं हो जाएगी। क्या बोलता है? दबाओ ट्रिगर। मैंने कुछ नहीं किया। अरे उसे सुनाने का क्या फायदा, उसे तो गन पकड़नी भी नहीं आती है। हमने किया है ये सब हम लोग। भूल गए हमें, काफी साल पहले तुम एक आदमी को जानते थे, रामदत्त शर्मा, याद आया? तुम्हारे खेल के चक्कर में हम गांव के बाहर फेंक दिए गए। उसी रामदत्त शर्मा के हम बेटे हैं। हमारा लक्ष्य है सिर्फ तुम, चंद्रगिरी का माधव यानी। तो मेरा अंदाज बिल्कुल सही था। तो ये सारी हरकतें जो हैं शुरू से, इन सब के पीछे तुम लोग ही हो। कलापुरा के रामदत्त शर्मा जो तुम्हारे पिताजी थे, उन्होंने मुझे मारने के लिए भाड़े के टट्टू भेजे। इंसानियत के नाते मैंने तुम्हारे बाप को उस समय छोड़ दिया और आज उसके सपोरे आकर मुझे धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे वैसे भी उम्मीद नहीं थी कि रामदत्त शर्मा के बेटे इससे अच्छा काम कर पाए। लाना
और जिस तरह से आज घिनौने तरीके से तुमने उस कोर्ट रूम में एसपी चंद्रशेखर को मारा है, तुम्हारे लिए जो थोड़ी बहुत भी सहानुभूति थी वो सब आज के आज खत्म हो गई। इससे पहले कि मेरा शैतान जाग जाए, मैं तुम लोगों को आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, इस जगह को छोड़कर कहीं और जाकर सच छुपाओ। चले जाओ यहाँ से। माधव, अगर सोच रहे हो कि हम तुम्हारी सहानुभूति का इंतजार कर रहे हैं तो गलत हो। वो रामदत्त शर्मा की जरूरत थी, पर आज हालात बदल गए। तब हम रोते थे पर आज नहीं। आज हमारा मकसद एकदम साफ है, तुमसे बदला लेने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हैं और तुम्हें मौत के घाट उतारने से कोई नहीं रोक सकता हम लोगों को। आज हमने अपने उन्हीं पुराने दुखों को इकट्ठा करके अपनी ताकत बना ली है। देख लो हम लोगों की तरफ, हम हैं अन्नपूर्णा ग्रुप। हमें माफी देने वाले तुम कौन होते हो? लो निकलो यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे पापा पर हाथ उठाए? अज्जू माफ कीजिएगा पापा। चंद्रगिरी के माधव मेरे पिताजी हैं, कोई साधारण आदमी नहीं है, आदर्श हैं वो। एक सही को सही और गलत को गलत सिखाने वाले आदर्श गुरु हैं। उस मूर्ति को गिराने की कभी कोशिश मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर फिर कभी दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो तेरे सर के चीथड़े उड़ा दूंगा। ब्रदर, अपने भाई को जरा कंट्रोल में रखो, उसे गुस्सा कुछ ज्यादा ही आता है, उससे तो कम, वरना इस गुस्से को सफेद कपड़े में लपेट कर शमशान तक पहुंचा दूंगा। मेरे पापा को कभी भी अकेला मत समझना, क्योंकि उनके पीछे मैं खड़ा हूँ पहाड़ जैसा, ये बात तुम कभी भी मत भूलना। अच्छी लगी तुम्हारी बातें। माधव के अंदर जो जवानी का खून था वही तुम्हारे अंदर देख रहा है मुझे। थोड़ी ताकत और बढ़ा दो, कभी कमजोर हो। तुम जानते हो किससे लड़ रहे हो, हम तीनों को अच्छे से पहचान लो। हमारे बारे में सब कुछ अपने पिताजी से पूछ लो। तुम्हारी बात मैं समझ गया, लेकिन ताकत मुझे नहीं तुम्हें चाहिए, क्योंकि पैसा भले तुम्हारे पास ज्यादा है लेकिन अकल कम है। ब्रदर, जुनून अच्छी बात है, पागलपन नहीं होना चाहिए। जिद्दी होना अच्छी बात है, जिद पकड़ कर बैठना अच्छी। तुमने जितने भी कारतूस अपनी बंदूकों में भरकर रखे हुए चंद्रगिरी के माधव को ऊपर पहुंचाने के लिए कम पड़े। मेरी आदत नहीं है कि मैं बार बार कुत्ते की तरह भौंकूं, सिर्फ काटता। ग्रहण तुम्हारा इंतजार कर रहा है जो तुम सबका सर्वनाश कर देगा। ये लो, कल रात 9:30 की फ्लाइट है। पापा बात ये है, मुझे अब कहीं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? ये तुम भी जानते हो वो क्यों नहीं जाना चाहता, फिर भी मैं बताता हूँ। आप शांत रहिए, इसे जवाब देने दीजिए। पापा, पहली वजह है क्लासेस वैसे भी कल खत्म होने वाली है, कॉलेज वाले स्टडी लीव देंगे। और दूसरी वजह बताओ मुझे। पापा, इस मुसीबत में आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। अपनी मुसीबत से मैं खुद निपट सकता हूँ, तुम टांग मत अड़ाओ। अगर पिता मुसीबत में हो तो ये बेटे का फर्ज बनता है कि उसकी मदद करे। 2 साल हो गए हैं चंद्रगिरी से बाहर रहते हुए इसे, इन 2 सालों में न जाने कितने ही मामलों को मैं खुद अकेले निपटा चुका हूँ। उस समय तो इसके बारे में कभी नहीं कहा कि इसकी मदद ले लूं। पापा, अब सब बदल गया है, ये अन्नपूर्णा ग्रुप, ये ठीक लोग नहीं लगते। कौन ठीक है कौन नहीं ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ वो तुम करो। माधव अकेले अपने मामले निपटा सकता है, उसे तुम्हारी जरूरत नहीं। अब जाओ। ठीक है। एक बेटे का दिल क्या चाहता है, एक बाप होने के नाते मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ।
आज मैं तुम्हारा बाप हूँ, पर कल किसी और का बेटा भी था। पर एक बेटे का दिल अपने बाप के दिल को कभी नहीं समझ सकता। मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो बेटा, मुझे कुछ नहीं होने वाला। जाओ। अज्जू पे सख्ती करके आपने अच्छा नहीं किया साहब। जानता हूँ मैंने अच्छा नहीं किया, पर उसे अन्नपूर्णा गोडाउन क्यों लेकर आए, वो भी गन के साथ? वो गन तो एसपी चंद्रशेखर, पर उसके हाथ में गन देने से पहले तुम्हें सोचना था। गलती हो गई मुझसे। जमाल ध्यान से, एक बार जब गन किसी के हाथ लग जाती है तो जिंदगी भर शराब की तरह उसका पीछा नहीं छोड़ती वो। अज्जू के बारे में मैंने ऐसा कुछ कभी सोचा नहीं। अब आगे से ऐसा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारा जाना निश्चित है? जाना तो पड़ेगा ही। तुमने सुना नहीं पापा का ऑर्डर? पापा को जानने के लिए पापा बनना जरूरी नहीं, अच्छा बेटा बनना ही काफी है, और मैं वही बन रहा हूँ। उनके साथ मैंने बहस इसलिए नहीं की क्योंकि मैं उनका मूड खराब नहीं करना चाहता था, पर मैंने एक बात अच्छी तरह से सोच ली है, मैं उनसे फोन पर बात करता रहूंगा। चंद्रगिरी में अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुरंत लौट आऊंगा। हे भगवान, दिया बुझ गया। शायद तेल खत्म हो गया होगा। नहीं, तेल तो भरा हुआ है। तुम्हारा इस तरह से जाना शायद माँ को भी पसंद नहीं। सच है, आपको भी पसंद नहीं कि मैं इस घर को और पापा को छोड़कर जाऊं। अगर वाकई आपके और पापा के मन में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार है तो फिर आप उनका मन क्यों नहीं बदल देती? आज जो हालात यहां है उनमें मैं पापा को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता, पर क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ही, मजबूरी है। प्लीज। सर, आपके बारे में सोच रहे थे कि आपका चार्ज लेंगे। यहाँ सभी सुपीरियर ऑफिसर्स के सबॉर्डिनेट हैं, जो कि गलत है। सीनियर और जूनियर मिलकर काम करेंगे तभी पब्लिक के नजदीक आ पाएंगे, यही मैं चाहता हूँ सर। हमारे पुलिस स्टेशन में ज्यादा इश्यूज नहीं है सर। ये वही पुलिस स्टेशन है ना जहाँ दिन दहाड़े मैजिस्ट्रेट के सामने एसपी को गोली मारी गई थी? और इंस्पेक्टर, इसी पुलिस स्टेशन के अंदर जाली करेंसी का केस चल रहा है। जी हाँ सर। हाँ, मैं नहीं चाहता कि दोबारा ऐसा हो सर। ये मेरी टेरिटरी है। ओके सर। वर्गिस सर, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ, ड्राइवर को बुलाओ, पूछताछ करनी है सर। ऑफिशियली आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, जब ड्यूटी की बात होती है तब मैं किसी को नहीं बख्शता। अगर कभी किसी तरह की बदनामी होती है तो वो पूरे डिपार्टमेंट की होती है, तब मैं बिना सोचे सबका जीना हराम कर दूंगा। पिछले एसपी चंद्रशेखर की मौत और एम्बुलेंस करेंसी केस, ये दोनों केस हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। सो वी हैव टू अनअर्थ द मिस्ट्री अराउंड बोथ दीस केसेस एट एनी कॉस्ट। सर। मुझे उन दोनों केसेस की फाइल्स ला कर दो। सर। सर। Registration number TN8737. Registered owner Tamil Nadu का है, कोई अम्बुटूर का, कोई मिस्टर नागराज। उन्हें कस्टडी में लिया या नहीं? सर नहीं लिया। Why? वो कोयम्बटूर में अन्नपूर्णा ग्रुप के राइस मिल में मैनेजर है। So what?
अगर वो किसी पावरफुल राइस मिल कंपनी में मैनेजर है तो उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। सर हमने आईजी को रिक्वेस्ट भेजी है लेकिन अभी तक हमें कोई ऑर्डर नहीं मिला है। नहीं मिला है, ऑर्डर नहीं मिला है तुम्हें। आईजी को रिक्वेस्ट भेजने की कोई जरूरत नहीं, ये इस पे वेटरवल मारन आईपीएस काफी है, समझ गया ना? सर नंबर कुछ अलग लग रहा है। सर इंजन का नंबर अलग है और यहाँ जो नंबर लिखा है सर, लेकिन फॉरेंसिक टीम के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजी गई गाड़ी कोई और है। सच बताओ कितने में बेचा खुद को? नहीं सर मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। तो ये नंबर कैसे चेंज हो गया? तो अब मैं समझा तुमने कोयंबटूर के राइस मिल मैनेजर को अरेस्ट क्यों नहीं किया। अरेस्ट किया होता तो उनसे तुम्हारा कमीशन तुम्हें कैसे मिलता, इसी बात की चिंता हुई होगी ना तुम्हें उस वक्त। नया FIR लिखो और उसमें इस इंजन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर को लिख लो। मैं जानना चाहता हूँ कि ये गाड़ी किसकी है, चाहे वो जो हो उसे मेरे सामने ले आओ। Bring him to my office. अपने दिमाग से टेंशन निकाल दो और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम पढ़ाई में टॉप आओगे। जरूरत पड़ी तो आपको फोन कर देंगे। शंकर जी इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ वर्गीस? कुछ खास नहीं। तुम्हारे परिवार में सब ठीक ठाक तो है? क्या है जरा कंफ्यूजन है। फेक करेंसी के साथ जो एम्बुलेंस पकड़ी गई है वो आपके नाम पर है। ये कैसे हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसके लिए आपको SP ऑफिस में आना पड़ेगा। नए SP साहब ने कहा है आपका स्टेटमेंट लेकर वो आपको तुरंत छोड़ देंगे। वो SP यहाँ क्यों नहीं आता? मैंने उनसे कहा था पर वो जरा स्ट्रिक्ट है। क्या है ना कि काफी सालों से उत्तर भारत में थे तो ज्यादा सवाल जवाब उन्हें पसंद नहीं है। ऐसे ही होते हैं बड़े स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स। चलो आता हूँ। सर आप मेरी गाड़ी में चलिए ना। वर्गीस तुम अच्छी तरह से जानते हो माधव हमेशा इंसाफ और कानून के सामने अपना सिर झुकाता है और हमेशा झुकाता रहेगा। आप अपना फर्ज निभाइए, चाहे कोई भी हो उसे कानून से ज्यादा महत्व मत दीजिए। SP ऑफिस में स्टेटमेंट देने के लिए जाना है तो अपनी गाड़ी से नहीं जाऊंगा, जीप से ही जाऊंगा, आपकी जीप में। तुम इन सब के लिए अपनी यात्रा कैंसिल मत करना जमाल। पता लगाओ हमारी रजिस्ट्रेशन वाली एम्बुलेंस वहाँ कैसे पहुँच गई और सारी डिटेल्स लेकर SP ऑफिस पे पहुँचो। वर्गीस चलो। चलिए ट्रिवेल मारन IPA। आप हैं वो स्ट्रिक्ट ऑफिसर जिन्होंने SP की जगह ली है। कैसा चल रहा है? सब कुछ कुशल मंगल चल रहा है मेरे लाइफ में माधव। अच्छा है, प्रार्थना करता हूँ वैसा ही चले। जगदीश और मुकुंद के आदमी रामदास शर्मा के बच्चे, ये सारे लोग आज इकट्ठे होकर एक शक्ति बने। जब सारे दुश्मन इस तरह मिलकर एक हो जाते हैं तो अच्छा ही होता है, एकता में ताकत। मैंने यहाँ आपको लेक्चर देने के लिए नहीं बोला, बल्कि जो जाली नोटों से भरा हुआ एम्बुलेंस उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आपके नाम पर, यही पूछने के लिए बोला। अब नहीं बच सकते मालूम, जुर्म आखिर जुर्म होता है। राजा महाराजाओं की कहानी सुन चुके होंगे, उन्हें जो पालतू कुत्ते पालने का बहुत शौक होता है तुम उसी की एक ब्रीड। मुझे याद आ रहा है कि कई साल पहले मैंने तुम्हारा ट्रांसफर करवाया था क्योंकि रामदत्त शर्मा के साथ मिलकर तुमने बेमानी की थी, पर उस समय एक बात कहना भूल गया था तुम्हें, दोबारा शक्ल मत दिखाना, इसीलिए आज तुम वापस उसी कुर्सी पर बैठे हुए। बंद कर अपना मुंह, मेरे सामने बकवास करता है तो। Yeah!
से मेरा ट्रांसफर कराया तब से मैं तुम्हें भूल नहीं पाया माधव। राज, राम मुकुंद और हम वापस मिल गए हैं, इसीलिए कह रहा हूँ तुम अपने हद में रहो, नहीं तो यहीं के यहीं तुम्हें दफना दूंगा, समझे? एक बात अपने दिमाग में पाल ले, तू अब नहीं बचेगा। सर, सर, दरवाजा खोलिए सर। सर, क्या हुआ सर? ओह, माधव सर, माधव सर, सर, ये आपने क्या कर दिया सर? माधव सर को क्यों मारा? क्यों मारा? जाली नोटों का धंधा करता है। लगता है तुम दोनों की बहुत अच्छी जमती है, लेकिन मेरे सामने नहीं चलेगा। आज के बाद तुम मेरे सामने इस आदमी से कभी भी ऐसे झुककर बात नहीं किया करोगे, समझे कि नहीं? तुमने सुना कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? सर, दैट्स इट। माधव सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, नहीं जानता था वो आपका ये हल करेंगे। कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ जो कुछ भी हुआ वो अज्जू को पता न चले। ये सब क्या चल रहा है? ये सब माधव जी के आदमी हैं, ये उनके लिए खड़े हैं। जल्द से जल्द बाहर निकाल दो, ना माने तो डंडे इस्तेमाल करना। डंडे का इस्तेमाल किया तो ये सारे आपको तोड़ के रख देंगे। कौन हो तुम? मैं माधव भैया के साथ रहता हूँ। बॉडी अच्छी बनाई है। बॉडी नहीं, मन अच्छा होना चाहिए। स्टेटमेंट अगर हो गया हो तो मैं पापा को ले जाऊं। माधव भैया के बेटे हैं अज्जू। तुम्हें अब भी लग रहा है कि अपने बाप को वापस ले जाओगे? वो एक मुजरिम है और मुझे नहीं लगता कि वो कानून के हाथों से बच पाएगा। जाली नोटों की जो एम्बुलेंस पकड़ी गई है वो तुम्हारे बाप के नाम पर, और जहां तक मैं जानता हूं तुम्हारा बाप जाली नोटों का धंधा करने वाला बहुत बड़ा माफिया है। नहीं सर, ये सब झूठ है। आज रात चंद्रगिरी के गैराज से निकली है ये गाड़ी। मुजरिमों ने उस पुरानी गाड़ी को चुरा कर उसके बदले में इस गाड़ी को वहां रख दिया। जो भी साबित करना है कोर्ट में जाके करो। कोर्ट में? हाँ, कोर्ट में। जाली नोट सप्लाई करने वाले मुजरिम को कोर्ट में नहीं तो क्या मंदिर में पेश करेंगे? हम निकले यहाँ से। सर, सर प्लीज, सर आप मेरी बात मानिए प्लीज, मेरे पापा इस मामले में कुछ नहीं जानते। तो मैं जानता हूँ उस बारे में। तुम्हारे पापा के बारे में मैंने बहुत कुछ पता किया है। He is a feudal fascist. अपना काम पूरा करवाने वाला एक छटा हुआ कुत्ता। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ऐसे लोगों का क्या करना है। तुम भी अपने पापा के नक्शे कदम पर चले तो तुम्हें भी अंदर डाल दूंगा। अंदर बैठकर दोनों भजन कर रहे हैं। तुम उन्हें कुछ भी नहीं करोगे। पापा को देखना है। ऐसा नहीं होगा। वो होगा सर, मैं पापा को देखने के बाद ही जाऊंगा। वो देखे ये जो लोग हैं, मेहनत और ईमानदारी से मेरे पापा ने इन्हें अपना बनाया। अगर मैं छोटा सा इशारा कर दूं ना तो अंदर आ जाएंगे, फिर संभाल नहीं पाओगे उनको, ना तो ना तुम्हारे ऑफिसर। इसलिए मुझे मजबूर बनकर क्या हुआ? ये किसने किया? आपका ये हाल किसने किया? तुम यहां क्यों आ गए बेटा? वर्गिस, तुम भूल गए तुमने किस इंसान पर हाथ उठाया? मैंने कुछ नहीं किया, वो एसपी उसी ने। बेटा रुको, कमाल रोको उस पागल को। अगर तुमने अजीज के साथ कुछ किया तो माधव भैया को नहीं छुड़ा पाओगे। पहले उन्हें यहाँ से निकालते हैं, उसके बाद मैं इससे निपटा। एक मिनट सर, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इसे याद रखना,
अगर किसी ने भी मेरे पापा को शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो गया काम से। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। I will react. केस की अहमियत को देखते हुए लगता है उन्हें बेल मिलना बहुत मुश्किल होगा। अगर FIR दर्ज नहीं होता तब तो मैं जरूर बेल के लिए अप्लाई कर देता हाई कोर्ट में, लेकिन अब वो मुश्किल है। तो फिर माधव भैया उन्हें रिमांड में लेकर जेल ले जाएंगे। अंकल कोई रास्ता नहीं है पापा के बाहर निकलने का। कोर्ट को सच्चाई पता चलनी चाहिए। हमें ये साबित करना होगा कि कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। माधव जी असली मुजरिम नहीं है इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाए, बस यही एक रास्ता है। थैंक्स अंकल। सीएम साहब का फोन आउट ऑफ कवरेज है, शायद फ्लाइट में होंगे, दिल्ली जा रहे होंगे। आईजी राजगोपाल भी फोन नहीं उठा रहा है, वो भी कहीं कोई खेल ना खेल रहा हो। मैं नहीं जानता ये साजिश है, पर मुझे पापा को बचाना है। एक एक दिन उनके लिए खतरा है। कुछ भी कीमत देकर मैं उन्हें वहां से बाहर निकालूंगा। कहां से निकाल पाएगा उसे? चंद्रगिरी के माधव का साम्राज्य अब खत्म हो चुका है, बचा है उसका बेटा। उस कांटे को भी हम बड़े आराम से निकाल देंगे। भले ही उसका बाप बरगद का पेड़ है, लेकिन हम लोग पूरा जंगल है। और अगर इस जंगल को आप सलामत रखना चाहते हैं तो पेड़ को उखाड़ना होगा। आप अपने आदमियों को तैयार कीजिए, क्योंकि जिस पेड़ को उखाड़ना है वो कोई साधारण पेड़ नहीं है, चंद्रगिरी का माधव है वो। तुम्हें बस इतना करना होगा कि हमारे बाप का कातिल माधव जब मर रहा हो तो उसकी दर्दनाक चीख मेरे कानों में जरूर पड़े। अगर तुमने मेरा यह काम कर दिया तो मैं तुम्हें सोने में तौल दूंगा। आपका काम पूरा होगा, यह वेट्रिवल पूरा करेगा। अज्जू, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? वो एम्बुलेंस ड्राइवर, वो इस केस की मुख्य कड़ी है, उसे ढूंढ निकालना होगा, बहुत जरूरी है, यही हमारा पहला काम है। भैया क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ना। इसमें लिखा है अगर किसी ने भी एम्बुलेंस को गिराकर भागने वाले ड्राइवर को देखा है तो कृपया करके उसके बारे में बताएं। बताने वाले को 5 लाख रुपए मिलेंगे। 5 लाख रुपए मिलेंगे? क्या बात, 5 लाख कमाने का अच्छा मौका है। मालिक जी मैंने उसे देखा है अपनी आंखों से देखा है। हाँ यही है वो। लेकिन अभी से रातों रात हम कहां से ढूंढेंगे? एक तरीका है, कोयंबटूर में अन्नपूर्णा राइस मिल का जो मैनेजर है ना, नागराज, ये एम्बुलेंस है ना उसी के नाम पर रजिस्टर्ड है। यही बंदा बता सकता है कि असली कहानी क्या है। जमाल, अपना काम हो गया। जब हमारे आदमी उसके पास गए तो उसने सब कुछ बता दिया। वो ड्राइवर यही है अपने चंद्रगिरी में, खेरू उसे जानता है। डर है हमारी प्लानिंग फेल हो जाएगी, अब हम क्या करें? नहीं भैया, डरने की जरूरत नहीं है। हमारा ड्राइवर मुस्तफा कोर्ट में हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। मुझे यकीन है कोर्ट में माधव और उसका बेटा हार जाएंगे। उसके बाद माधव को 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया जाएगा, उसका जुर्म साबित हो जाएगा।
भले ही हमारा मकसद पूरा नहीं हो पाएगा कि हम उसे जान से मार देंगे, फिर भी वो इनकी कृपा से जिंदगी भर चक्के पीसता रहेगा वहाँ जेल की सलाखों को। आओ माधव, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो चैनल्स के रिपोर्टर्स कहाँ हैं? सर अभी तक वो तो नहीं आने वाले। दरअसल अगर रिपोर्टर्स और मीडिया वाले यहाँ आ गए तो तुम्हारी और तुम जैसे पुलिस वालों की बहुत बदनामी होगी, ऐसा मेरा मानना है। सर एशिया खबर से संदीप बोल रहा है? नहीं, जमाल बोल रहा हूँ, चंद्रगिरी से। Damn it. वो क्या है कि एसपी साहब की बात मानकर वो सब आने के लिए तैयार हो गए, पर हम सब ने सोचा कि यहाँ आने से पहले क्यों न चंद्रगिरी में उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी कर दी जाए। देखिए इसे गुंडागिरी कहते हैं। जरा इधर आना, इसे गुंडागिरी नहीं कहते, ये होती है गुंडागिरी। तुम में से कोई भी बकवास नहीं करेगा। तुम वर्गीस, व्हाट द हेल इज हैपनिंग? व्हाट द हेल इज हैपनिंग हियर? हां योर ऑनर, मुजरिम ने देश के खिलाफ बहुत संगीन जुर्म किया है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे मुवक्किल हमारे शहर के एक इज्जतदार और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में गिने जाते हैं। वो इन जाली नोटों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। ये इल्जाम झूठा है। असली मुजरिम को कोर्ट में पेश करने की मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ। यस प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। जिस एसपी चंद्रशेखर का खून हुआ ये उसकी FIR है। एम्बुलेंस को चलाने वाले ड्राइवर का नाम था रसूल मुस्तफा। हुजूर, गाड़ी मैं ही चला रहा था पर मुझे नहीं पता था कि उसमें जाली नोट भरे हुए हैं। बाद में जब पुलिस ने तहकीकात की तब मुझे पता चला इन सब में अन्नपूर्णा ग्रुप वालों का हाथ है। ये सारा जुर्म उन्हीं का किया हुआ है और मुझे कुछ नहीं पता हुजूर। रसूल मुस्तफा उर्फ मुस्तफा को यह अदालत मुजरिम मानती है और उसे अरेस्ट करके 14 दिन रिमांड में रखने का आदेश देती है और श्री माधव को बाइज्जत बरी करती है। रसूल मुस्तफा के बयान के मुताबिक अन्नपूर्णा कंपनी से जुड़े हुए सभी पार्टनर्स को, भार्गव को, राम को और कृष्णा को जल्द से जल्द अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश करने की हिदायत देती है। फक्र हो रहा होगा कि आज माधव बाइज्जत बरी हो गया, उन्हें हमारी बधाई। वैसे आज से 5 दिनों के बाद हमारी नई कंपनी का भूमि पूजन है, तुम वहां आना चाहोगे ना? शायद तुम्हारे भाई भी तुम्हारी तरह न्योता देने आए हैं। न्योता नहीं देंगे तो भी आओगे, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तुम्हें बता दूं कि यहाँ के नियम कानून से मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ। एक अरेस्ट वारंट देख करके हम लोग यहाँ से भागने वालों में से नहीं है। हाई कोर्ट में पहले ही हमने अपना बेल पिटीशन डाल दिया, जान लो। बस इतनी देरी है कि जज अपना फैसला सुना दे, उसके बाद तुम देख लेना सजा काटने की बारी तुम बाप बेटी की ही आने वाली है। शेर का शिकार उसकी गुफा में कैसे किया जाता है ये हम अन्नपूर्णा ब्रदर्स जानते हैं। चलो सर। सुनो अन्नपूर्णा भाइयों, मेरे पापा यहाँ खड़े, वरना मैं तुम्हारे सवालों का जवाब अपने पैर से देता। हमारी जुबान हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हमारी जुबान
हमारी सबसे बड़ी पहचान होती है, इसलिए जुबान पर काबू रखना चाहिए। लेकिन ये बात कभी कभी हम भूल जाते हैं, और यही कारण है कि कई बार मैंने भी गलतियां की और संतुलन खो बैठा अनजाने में, और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस की। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा जुनून किसी को बर्बाद कर दे। तुम चाहते हो कि मैं और मेरा परिवार तबाह हो जाए। ब्रदर, जिंदगी देने वाला जिंदगी लेता है, इसलिए मैं भी सही वक्त का इंतजार करूंगा। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम चारों जज के फैसले के बाद मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद करने के लिए आओगे। जमानत मिलने के बाद यहाँ पर जरूर आना। चंद्रगिरी का ये अज्जू तुम्हारा इंतजार करेगा। देखते हैं, देखते रहो। यहाँ क्यों रोक दिया सर? तुम्हें छोड़ रहे हैं। इतने सालों तक तुमने अन्नपूर्णा का नमक खाया है, इसलिए वो नहीं चाहते कि तुम जेल जाओ। वो लोग तुमसे खुश हैं, तुम्हें हम छोड़ देंगे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सर, मैंने वही कहा जो वो चाहते थे। अगर नहीं कहता तो मुझे और मेरे परिवार को मार देते। जानता हूँ, इसीलिए तो तुम्हें छोड़ रहे हैं। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। पापा जेल से बाहर निकले हैं, मैं इसी वक्त का इंतजार कर रहा था, क्योंकि जमाल कहता है ये सब काम पापा के सामने मत करो। यहाँ पर पापा नहीं है, सिर्फ तुम और मैं हूँ। या तो तुम मुझे मारोगे या मैं तुम्हें मारूंगा। इस काम में बहुत हिम्मत और ताकत की जरूरत होगी। मुझे बढ़ाने से कोई मर्द नहीं होता, और ना ही वर्दी पहनने से। मर्दानगी होती है खून में। तुमने मेरे पापा को मारा था। किसी बुजुर्ग पर हाथ उठाना या फिर उसे परेशान करना, तो ये बात याद रखना, अपने ये हाथ उठाने से पहले अच्छे से सोच लेना, और याद रखना कि अगली बार उठाने के लिए शायद ये हाथ ही ना बचे। फिर कभी मेरे रास्ते में आया तो तू बचेगा नहीं। समझ गया? मर्द बनता है। सोए नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही। मन आज बहुत अशांत हो रहा है जमाल। लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। कैसी मुसीबत आएगी? आपने हम बाल बच्चों को पाल पोस के इतना बड़ा किया है, सबको उनके पैरों पे खड़ा किया है। आप अकेले नहीं है यहाँ, ये पूरा चंद्रगिरी आपके साथ खड़ा है, और अज्जू भी तो है। इसी बात का तो डर है मुझे कि मेरे साथ मेरे बेटे को भी मारना चाहते हैं। वो एक चक्रव्यूह की रचना कर रहे हैं। वो उस दिन फादर ने भी किसी ऐसे ही संकट की बात की थी, लेकिन
चक्रव्यूह को भेदने के लिए जब अभिमन्यु अंदर जाता है तो बाहर नहीं निकल पाता था। बेटी, शंकर जी को जाकर बोलो कि वो मंदिर में पूजा अर्चना की तैयारी करवाए, अज्जु के नाम की। फिर मृत्युंजय होम करवाना होगा, अनुष्ठान की तैयारी करने को बोलो उनसे। पता नहीं आज अचानक क्यों अज्जु की माँ याद आ गई मुझे। निर्मला आज होती तो वही सारी तैयारी करती। इसी को नियति कहते हैं। नमस्ते। नमस्ते। दरअसल 11 दिनों तक चर्च में एक फंक्शन था, इसीलिए मुसीबत के वक्त मैं आ नहीं पाया। कहाँ है वो अज्जू? नमस्ते फादर। यू हैव डन वेल। तुमने साबित कर दिया कि तुम नायक के बेटे हो। आज के नौजवानों के सामने अगर एक गाल किया जाए तो वो दूसरे गाल पर थप्पड़ मारते हैं। समय आ गया है कि किसी भी तरह की नाइंसाफी ना होने दी जाए। आज के नौजवानों को बेधड़क सवाल पूछने चाहिए। तुम्हें ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। अन्नपूर्णा वाले अगर अपने चाकुओं को धार दे रहे हैं तो हमें भी पूरी तैयारी रखनी होगी बेहतर हथियारों के साथ। मगर एक बात तुम अपने दिमाग से बिल्कुल मत निकालो कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत है अहिंसा। यही धर्म है। मुझे पता नहीं मैं कब तक जीवित रहने वाला हूँ, पर जब तक रहूंगा इस परिवार के लिए अच्छा ही सोचता रहूंगा। और एक बात याद रखना, लोग जीतने वाले का साथ देते हैं, इसलिए तुम्हें हमेशा जीतना होगा। तुम्हारे पापा के लिए और इस चंद्रगिरी के लिए मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ। चंद्रगिरी के बारे में बात करने को इसके पास बहुत कुछ है। जब हमने इतना सब कुछ सुना तो आपसे मिलने के लिए चले आए। पापा इतने बिजी होते हैं कि उनका वक्त कैसे गुजर जाता है पता नहीं चलता। ये लड़की ना सिर्फ मेरी बढ़ाई करती है। ये लड़की? माँ, ये लज्जो है, मैंने कहा था ना। अच्छा। नहीं, दरअसल क्या है कि नंदा अब 21 की हो जाएगी। इसके कहने का मतलब ये है भाई साहब कि इनके भविष्य के बारे में अब हमें बात कर लेनी चाहिए। अभी इतनी दूर हम आ गए हैं तो बाकी बातें भी कर लेते हैं। मेरी नंदा अजय को बहुत पसंद करती है। और अज्जू भी नंदा को पसंद करता है। को पानी से धोकर छुपा सकती है, मन का दर्द मुझसे कैसे छुपा? नहीं, मुझे ऐसा कोई दुख नहीं है शंकर मामा। दुख की कोई वजह भी तो नहीं है। मैं तो हमेशा अज्जू की खुशी ही चाहती रही हूँ। और देखा जाए तो वो लड़की अज्जू के लिए बिल्कुल सही है। पढ़ी लिखी है, पैसे वाली है, मेरे पास है ही क्या? बेटा। वो पापा जी, हम रसोई की बात कर रहे थे, वो खाने के लिए रुकेंगे ना? मैं खाना बनाती हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आओ। दास काका? हाँ, अच्छा है कि तू अभी तक भूली नहीं है। मुझे तो लगा था कि तू पुरानी सारी बातें भूल गई है और यहाँ आके रम बस गई। दास काका, आप यहाँ आए क्यों हैं? मैं यहाँ माधव से मिलने आया हूँ, बहुत जरूरी बात करनी है।
अरे माधव भाई, मैं धन्य हो गया देख के। अरे क्या बात है, सारा परिवार यही है। कोई खास बात है क्या? लज्जू का दूर का रिश्तेदार है, नाम है दास। अच्छा माधव भाई, मैं रात भर ठीक से सो नहीं पाया, खाना भी गले के नीचे नहीं उतरा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज की रात ही मेरी आखिरी रात है। सोचा मरने से पहले आखिरी बार आपसे मिल ही लूं। शर्म नहीं आती इस लड़की को धोखा देते हुए? दास काका, तू चुप रहे, मुझे इनसे बात करने दे। चंद्रगिरी के माधव साहब से ही कराया और सबके साथ बदतमीजी कर रहा है। चल नहीं जमाल, छोड़ो। सब लोग ध्यान से सुनो, एक साल के भीतर नीलांबर स्टेट से माधव भाई का कोई न कोई जरूर मरेगा। माधव भाई के खास दुश्मन रामदास शर्मा के बेटे दीपी के सदानंद भाइयों से मिल गए हैं। भूल गए जब उनके बंदूक से निकली गोली तुम्हारे सीने में लगने वाली थी, तो इस लक्ष्मी के बाप ने ही सामने आकर वो गोली अपने सीने पे खाई थी और तुम्हारी जान बचाई थी। और अपना सर तुम्हारी गोद में रख के मरते वक्त उसने लक्ष्मी के अच्छे भविष्य का वादा लिया था। आज तुम जो कुछ भी हो इसके बाप की वजह से हो। तुमने वादा किया था कि तुम अपने बेटे की शादी लक्ष्मी से करवाओगे, और सिर्फ उसी से वादा नहीं किया था, तुमने गंगाधर की पत्नी से भी वादा किया था। क्या तुम भूल गए? इसकी शादी तुम्हारे बेटे से पहले ही तय हो चुकी है। अपने वादे से मत फिरो तुम। गंगाधर से जब वादा किया था उस समय सारे नातेदार रिश्तेदार और मैं खुद भी वहाँ मौजूद था। कहो तो सबसे पूछवा दूँ। बताओ ये सब सच है या नहीं? सच तो है, लेकिन अच्छू को ये लड़की पसंद है और मैं भी इस शादी से खुश हूँ। बहुत बढ़िया, एक गरीब लड़की ने एक अमीर लड़के के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी और सबके सब खड़े देखते रह गए, क्योंकि इसमें तुम सबका स्वार्थ छुपा हुआ है। तुम जैसे बड़े लोगों पे थू है। हाँ तुम ऐसा मत करना, जो वादा गंगाधर और उसके परिवार वालों से तुम्हारे झूठे बाप ने किया था तुम मत करना। तुम क्या यहाँ नौकरानी बन के पूरी जिंदगी बिताओगी? तुम्हारा ये काका तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगा। चलो मेरे साथ। नहीं मैं नहीं आऊँगी, मैं इन लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। ठीक है माता, यहीं पड़ी रहे नौकरानी बन के, और जब इस घर के मर्दों का अपनी बीवी के साथ मन भर जाएगा तो खुद ही वो खींचे चले आएंगे तुम्हारे पास। क्यों, यही प्लानिंग है ना तुम्हारी? निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। ये सब मेरी ही गलती है। आज मुझे पता चला कि तुम किसी और लड़की को चाहते हो, लेकिन ये जानकर मुझे बहुत शर्म आ रही है कि पहले ये सच बताने की तुमने हिम्मत नहीं की। नंदा बेटी, इन सब बातों से अगर तुम्हें किसी प्रकार का दुख पहुंचा हो तो तुम मुझे माफ कर देना। अज्जू, हम दोनों की पहचान ज्यादा दिनों की नहीं है, लेकिन उस बेचारी ने बचपन से तुम्हारे ही सपने देखे हैं। मेरा क्या है, किसी के अरमानों का खून करके मैं अपना घर नहीं बसा सकती। मैं जा रही हूँ। मैंने भगा दिया, उसे भेजने वाले कौन है? वो अन्नपूर्णा ग्रुप वाले, ये सब उन्हीं लोगों की चाल थी। अगर आप कहें तो अभी के अभी उन लोगों को जाकर दबोच लेता हूं मैं। रहने दो, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। मुझे याद आया, ये सब लोग माधव की मौत की तैयारी कर रहे हैं।
कर। बस बहुत हुआ, अपनी बहुत बहादुरी दिखा ली। पर मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ, तुम्हारी हर गलतियों के लिए आज तक मैं तुम्हें माफ करता आया हूँ, लेकिन आज इस दास को मेरे दरवाजे पर तुम लोगों ने भेजकर बहुत बड़ी गलती की है ये बताने आया हूँ। हाँ भार्गव, मैंने तुम्हारे पिताजी को इसलिए सजा नहीं दी कि वो कोई मुजरिम या कातिल है। रामदत्त को मैंने कभी दुश्मन नहीं माना, बल्कि वो मुझे जिंदगी भर दुश्मन मानते रहे। उन्होंने मंगलपुर से आदमियों को इसलिए बुलाया ताकि वो मेरा कत्ल करवा सके। कई बार हारने के बावजूद उनकी समझ में नहीं आया, उसके बाद भी कई बार मुझे मारने की कोशिश की। बाद में चंद्रगिरी के गांव वालों ने रामदत्त को उसके परिवार के साथ जलाने का फैसला लिया। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, उसे सजा नहीं मिली। तुम्हें यही बताने आया हूँ कि तुम्हारे परिवार को मैंने बचाया। आज समय आ गया है कि उस दुश्मनी को खत्म करें। वक्त के साथ चीजों को समझने की कोशिश करो। रामदत्त के अंदर जो गुस्सा भरा था, उसके बच्चे उसे क्यों ढोते फिरे? जो दुश्मनी बरसों से हमारे बीच चली आ रही है, उसे खत्म करना होगा अभी। यही मेरा लक्ष्य है, इसीलिए यहाँ। छोड़ो, तुम्हें डर है कि तुम हार जाओगे, इसीलिए उल्टी सीधी कहानी सुना रहे हो। माधव, तुम कुछ भी कह लो, हमारी सोच में फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, इस दुश्मनी से कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय नुकसान के। मैं यहाँ किसी तरह का खून खराबा करने नहीं आया हूँ। तुम भी वैसा मत करो, हम एक हो जाते हैं। आप सब मिलकर जो फैसला लेंगे, मुझे मंजूर होगा। क्या बात है, आज नौबत ये आ गई है कि बेटे को बचाने के लिए बाप हमारे पास आया है। कॉम्प्रोमाइज, तुम बुद्धिमान तो हो, लेकिन हम इस तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और वह इसलिए कि हम माफ नहीं कर सकते तुम्हें। हमारा यहाँ आने का मकसद है हर हालत में तुमसे अपने बाप की मौत का बदला लेना, और वो लेकर रहेंगे। आज तक हम इतने सब्र से क्यों जीते रहे जानते हो? सिर्फ एक ही वजह है उसकी, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बेटे की जान लेना और चंद्रगिरी में तुम्हारे साम्राज्य को खत्म कर देना। आज मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ कि अगर बुरा होना है तो किसी हाल में होकर रहेगा। समझौता नहीं करना कोई बात नहीं, हम लड़कर मरेंगे। अपने आदमियों को जगह वक्त बताकर भेजना, माधव तैयार है। पर एक बात कान खोल कर सुन लो, ये लड़ाई जो होने वाली है बर्बादी की हद तक होगी, सब खत्म हो जाएगा। माधव, तुम खुद को मौत का सौदागर मत समझो, वक्त ही बताएगा कौन जीतेगा। क्षत्रिय के लिए युद्ध धर्म है, उससे वो नहीं डरता, मारेगा या मरेगा। ग्रह तुम्हारे अनुकूल नहीं दिख रहे माधव, जो काम करने की सोच रहे हो पाना बहुत मुश्किल दिख रहा है। समय बहुत भारी जान पड़ता है। हाँ, यदि चंद्रगिरी में गणपति होम करवाया जाए तो शायद अच्छा हो। मैं यहाँ अपने लिए नहीं आया हूँ, अपनी बेटी अज्जू के लिए आया हूँ। मेरी सारी चिंताएं उससे जुड़ी हुई हैं। उसकी चिंता मत करो, उसकी दशा काफी अच्छी चल रही है। उसकी राशि में चौथे स्थान पर सूर्य है, जो काफी तेज है। राजयोग है उसका, यहाँ की कमान संभालेगा, साक्षात सूर्य नारायण की तरह है। उसकी ओर से निश्चिंत रहो और बोलो। चलता हूँ, भगवान सुखी रखे। Hey!
माधव जी की अकस्मात मौत के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए चंद्रगिरी के सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें आज बंद रखी हैं। क्योंकि कत्ल आधी रात को हुआ था, इसलिए सुबह तक लाश वैसे ही पड़ी रही। पिछली रात हुए इस हादसे की पुलिस पूरी तत्परता से तहकीकात कर रही है और जल्द ही अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। ये बहुत दुख की बात है बेटा, इनकी मौत पर हम सबको अफसोस है। बहुत नुकसान हुआ हम सबका, मुझे और मेरी सरकार को इस मौत पर काफी अफसोस है। तुम अपना ख्याल रखना बेटा। इसलिए नहीं आ पाए। ईश्वर आपके मन को शांति प्रदान करे। चाबी लौटानी थी, वहां छूट गई थी। जब मुझे पता चला कि तुम्हारे पिताजी के साथ ऐसी दुखद घटना हुई तो मुझे बहुत दुख हुआ। उस दिन वो मेरे यहाँ आए थे और जाते वक्त ये चाबी भूल कर चले गए, तो मैंने सोचा तुम्हें लौटा। समय खराब है, संभाल कर रहा हूं। तो अब मैं चलता हूं। सच क्या है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। सब जिस पर विश्वास करते थे, जिस पुजारी पर मेरे पिताजी विश्वास करते थे, वो आज टूट गया। विद्वान पंडित कृष्ण शर्मा की आंखों में आंसू की एक बूंद भी, शायद पैसों की वजह से सच उनके सीने में दफन हो गया। आज मैं चुप रहा तो कभी नहीं बोल पाऊंगा। तुम्हें सच बताना होगा। तुम्हारे पिताजी ने मुझसे वादा लिया था कि मैं कुछ न बताऊं, लेकिन मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। उस दिन जब तुम्हारे पिताजी मेरे यहाँ आए तो अपनी चाबी भूल गए। मैं उन्हें चाबी लौटाने गया। माधव अपनी जिंदगी जी चुका है।
अब इसे सिर्फ अपने बेटे अज्जू की चिंता है। उसका ख्याल रखिएगा। पुरखों की दुश्मनी मेरी मौत के साथ खत्म होनी चाहिए। हाँ, उसे समझाइएगा। समझाएंगे ना उसे। माधव, माधव, तुम्हारे पिताजी ने मेरे इन्हीं हाथों में अपना दम तोड़ा था। उन्हें अपनी मौत का कोई दुख नहीं था। उन्हें चिंता सता रही थी सिर्फ तुम्हारी। उनके लिए जिंदगी और भविष्य सिर्फ तुम्ही हो। ऐसा कुछ ना करना जिससे तुम्हारे पिताजी की आत्मा को कोई तकलीफ पहुंचे। हमारी भी बस यही इच्छा है कि तुम अपने पिताजी की इच्छा का मान रखो। मेरी बातों का तुम गलत मतलब मत निकालना। ये मैं उनकी ही बातें कह रहा हूँ। ये तुम्हारे भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। बेटा, समय बहुत बुरा चल रहा है। प्रार्थना करो, तुम्हारे पिताजी की आत्मा को शांति मिले, ये मन से प्रार्थना करो। कोई नहीं आ पाएगा। जब तक माधव भैया थे हमें कोई परेशान नहीं करता था, अब हमें कौन देखेगा अजय बाबू? हमारे पास सर छुपाने की भी जगह नहीं है। घबराइए मत, आप लोगों की मदद करने के लिए मैं आज पिताजी नहीं है, लेकिन मैं खड़ा हूं आपके साथ। आप लोगों को कुछ नहीं होगा। लोग फिर से वापस आ गए। किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की तो टांग तोड़ दूंगा। ए सुन, तू अंदर मत घुस। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो सोच ले, वापस नहीं जा पाएगा। जमाल, अपने आप को तोप समझते हो? तुम भूल गए कि तुम्हारी औकात क्या है? तुम सबकी टांगे तोड़कर तुम्हारे हाथों में पकड़ा दूंगा। गरीबों का हक मारते हो ना, तो मैं इसकी कीमत चुकानी होगी। सजा मैं दूंगा। जानते हो ये कौन है? ये मेरे पिताजी के लोग हैं और इनके लिए मैं लड़ूंगा। अगर इनकी जमीन की ओर किसी ने आग में उठाकर देखा तो उसे काट कर वही दफना दूंगा। कादर काका, ये फसल काटने वाला कोई मामूली हत्या नहीं है। इसका इस्तेमाल अन्याय करने वालों के खिलाफ करो और इतना ध्यान रखो कि मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। चलो। ए, तुम अभी जीते नहीं हो। तुम्हारे बाप का जो हाल किया वही हाल तुम्हारा भी करेंगे। मार देंगे, तुझे भी मार डालेंगे। बिल्कुल नहीं, पुजारी जी की बात याद है ना? अब चलते हैं। Thank you.
ये सब जगदीश के साथी एमएलए हैं। इसमें 3 करोड़ रुपए हैं, सब आप ही लोगों के पैसे हैं। कल स्पीकर के पास जाना है और इस्तीफा देना। इन पैसों के लिए तो मैं कहीं भी इस्तीफा दे दूंगा। मुख्य समाचार। समय आ गया है कि विधानसभा में स्पीकर के समक्ष मुख्यमंत्री अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। विधायकों का विश्वास मत प्राप्त करने के लिए इस समय हर तरह के जोड़ तोड़ की संभावना है। सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मुकुंद, क्या है? सब कुछ खत्म हो गया भाई। मंत्री का पद भी गया और एमएलए की सीट भी चली गई। सब इनकी वजह से हुआ है। कहा था मुझे मुख्यमंत्री बनवाएगा, मेरा इस्तेमाल करके मुझे उखाड़ कर फेंक दिया। गलती मेरी ही है। माधव भैया जिंदा होते तो कम से कम मेरी कुर्सी तो नहीं जाती। उस मरे हुए माधव की बात कर रहे हो? मेरी बात सुन, अब तेरे चिल्लाने का कोई मतलब नहीं। ना तेरी पदवी रही ना सरकार, अब तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। बाप को तो पहले ही मार चुके हैं, बेटा भी जल्दी ऊपर चला जाएगा। तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन वो माधव का बेटा जो अज्जू है ना, उसको तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। पहले एसपी को रास्ते से हटाया, फिर मुझे। तुम कुछ भी कर लो, पर माधव का वो बेटा तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। क्या होगा, मारेगा? उसके पहले मैं तुझे मार डालूंगा। जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है भाई। अब तू यहाँ पर आया है? तुम सबको एक बात बताने आया हूँ। ये लड़का जो बचपन में ही अनाथ हो गया था, उसे पाल पोस के नया जीवन दिया, वो थे मेरे माधव भैया। और आज तुम्हारे सामने ये जमाल प्रण लेता है। किसी भी हालत में तुम सबको चैन से नहीं रहने दूंगा। तुम लोगों के करतूतों का हिसाब चुकाने आ रहा है चंद्रगिरी का हमारा इकलौता युवराज अज्जू। पैसा कमा लो, आखिर में यही छोड़कर जाना होता है। आज देख लिया ना तुमने, इन्हीं पैसों ने तुम्हें तुम्हारी कुर्सी से नीचे उतार दिया। आज तुमने देख लिया ना कि तुम पैसों के बल पर किसी की आजादी नहीं खरीद सकते, और उन लोगों की तो बिल्कुल नहीं जो लोग सिर्फ राष्ट्र के लिए जीते हैं। नहीं समझे ना, अभी समझाता हूँ। ये देख रहे हो ना, ये आदमी नहीं आदर्श है। पैसों से खरीदा जाने वाला तुम जैसा बिकाऊ नहीं है। सब लोग मेरी हिटलिस्ट में है। जिसने भी मेरे पापा को धोखे से मारा है, मैं उनको छोड़ने वाला नहीं। खून करने वालों की सजा सिर्फ मौत, कोई भी हो, और वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मुझसे बच नहीं पाएगा। भूल ना मत, बदला मैं लेकर रहूं। इतनी बकवास करके जा रहा है, अब हमारी भी सुन ले। माधव को मारने के लिए कोई यहाँ बाहर का आदमी नहीं आया था, उसे मैंने और मेरे भाइयों ने मिलकर मारा। हम अन्नपूर्णा हैं, हमारे सामने टिक नहीं पाओगे। बिल्कुल सही, तुम्हारे बाप को हम नहीं मारा, सबने मिलकर मारा। हमारा जो करना है कर लो। सच तो यह है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे इसकी कुर्सी छीन कर तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है क्या? तुम्हारा ये अहंकार और जिन पैसों के बल पर तुम कूद रहे हो, उनकी कसम खाकर कहता हूँ, सबको बर्बाद कर दूंगा। मैं तुम सब लोगों की वो हालत कर दूंगा कि तुम्हारे पास बेल्लारी जाने के पैसे भी नहीं बचेंगे। चंद्रगिरी के अज्जू का ये वादा है, तुम सबको बर्बाद करके रख दूंगा। हमारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। शोलों जैसा थक थकाता, कोई बच ना
पाता इससे जो भिड़ता हो जाता। ये है यहाँ के नए कलेक्टर साहब और यह नए एसपी एलेक्स। बैंक अकाउंट सीज हो गए हैं, हम एक भी पैसा बाहर नहीं निकाल सके अभी। हाँ ठीक है, जल्द से जल्द अगली फ्लाइट कौन सी है वो बुक कर लो। हाँ ठीक है भैया, टिकट तो हो जाएगी लेकिन हम यहाँ से चले गए तो। देखो हम यहाँ से हमेशा के लिए नहीं जा रहे हैं, बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। युद्ध नीति कहती है अगर अपना पक्ष कमजोर हो तो मैदान छोड़कर निकल जाना चाहिए, उसी में बुद्धिमानी है। सर कोर्ट का ऑर्डर, केस खत्म होने तक आप में से कोई भी देश छोड़कर नहीं जाए। तो हम बंगलुरु चलते हैं। अद्भुत इसमें शक्ति है भाई, राम जैसी इसमें शक्ति है भाई, मानवता जिए इसके लिए, पापी को मिटाने की कसम है खाई। Yes. बिल्लरी में हमारे ऑफिस और घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने डाली है रेड। सच के सिवा जाने कुछ ना, सच है सच है सच है सच है सच है। जितने जल्दी हो सके हमें शहर छोड़ना होगा वरना हमारी प्लानिंग पर पानी फिर जाएगा। अरे ये क्या पुलिस? कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, बस लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। तो फिर ये क्या है, एयरपोर्ट पे नाकाबंदी कर दी तो ट्रेन से भागने की सोच रहे हो? चलो बाहर निकलो, गाड़ी सर्च करनी है। सर ये किसकी है? किसकी है ये? मेरी है। ये क्या रहे हैं, अंदर डालो। हाँ चलो। क्या बात है इसके साथ, बहुत ही बड़े बड़े लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं आप तो। वेपन मिला है, अरेस्ट करना होगा। इसकी शक्ति कर्म है इसका योद्धम, ऐसा है ये वीरम, शौर्य पराक्रम का है सिंह। कौन है यहाँ? भार्गवुन्नी। मैं हूँ, क्या बात है? आपके नाम का अरेस्ट वारंट है, आपने जिस बेल के लिए अप्लाई किया था वो रिजेक्ट हो गई है, आपको अरेस्ट करने के लिए नया ऑर्डर है। चलिए उसका कहना मानने में ही भलाई है हमारी, उसने हमारी वो हालत कर दी है कि बेलारी जाने का पैसा भी नहीं बचा। नहीं, वो मुझसे कभी नहीं जीत सकता, उसे तो मैं जरूर मारूंगा। अपने पिताजी को याद करके अपनी उंगली से इसे निकाल दो। कार्य संपन्न हुआ। नहीं पंडित जी, एक काम और बाकी है अभी। हर जगह ढूंढ लिया उन दोनों को, कुछ पता नहीं चला। चारों का? हाँ, मैंने उनके सारे ठिकाने पर केविन सर के साथ मिलकर छानबीन कर ली लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। लगता है डर के भाग गए। इम्पॉसिबल, मुझे ऐसा नहीं लगता। हमने हर जगह इतना कड़ा पहरा लगाया हुआ है कि भाग नहीं सकते, इसका मतलब वो यहीं कहीं छुपा बैठा है, उसे ढूंढ निकालना होगा। बच के भाग गए वो लोग। जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, अब किसी से भी कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे पिताजी जो चाहते थे सब वैसा ही हुआ, अब सब भूल जाओ, बस ध्यान रखो कि वो लौट कर यहाँ ना आए। ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। ये लोग साहब की जगह के लिए बात करने आए हैं। कैसी जगह? आपके पिताजी चंद्रगिरी के मंदिर के सारे फैसले लिया करते थे, उनके जाने के बाद वो जगह खाली पड़ी हुई है, आप वो जगह ले दें। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं भी आप जैसे एक आम इंसान हूँ। देखिए, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि आप मुझे कोई पद दें, कोई ओहदा दें। ऐसा मत कहो बेटा, जो होना था वो तो हो चुका है, अब उत्सव की तैयारी करनी है और साथ ही मंदिर का जीर्णोद्धार भी करना है, तो उसके लिए आपकी सहायता चाहिए होगी हमें। अच्छा ये बात है, पापा के जाने के बाद ही मैंने साफ कह दिया था कि कोई बदलाव नहीं होगा, आपको जो भी मदद चाहिए वो मिलेगी।
शंकर मामा, हमें देखिए ऐसों की जरूरत नहीं है, इन सब लोगों को बस एक नायक चाहिए। जी वही, आपके पिताजी ने जो काम शुरू किए वो सब कहीं न कहीं अटके पड़े हैं। अब वो काम तभी पूरा होने की संभावना है जबकि आप वो जगह संभाल ले। इस सब के लिए तुम्हारा मानना बहुत जरूरी है बेटा। बेटा इनकी बात तो मान लो। शंकर मामा, इस जमाने में ये सब बातें कोई भी मायने नहीं रखती हैं। इसकी जरूरत नहीं, भगवान का कार्य है, अच्छे से होगा। नहीं, तुम्हें ये करना ही होगा। मालिक अगर होते तो वो भी यही चाहते, तुम्हें पंडित से मिलना ही होगा। कुंडली के हिसाब से चंद्रगिरी में ये उत्सव करना सबके लिए अच्छा होगा। चूंकि अब माधव नहीं है इसीलिए अजय को हम उनका उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। आने वाले जो 5 दिन हैं वो उत्सव के लिए शुभ हैं और इनके लिए लाभप्रद हैं। और मेरे हिसाब से सिंहासन पर बैठने के लिए सबसे पवित्र समय है। ये कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी, आज भी आप अंधविश्वास मानते हैं? आज का दौर पहले से बहुत ही अलग हो चुका है पंडित जी, क्या ये वाकई जरूरी है? हर एक कार्य के पीछे एक ना एक लक्ष्य अवश्य होता है। ये अच्छी तरह समझ लो कि हम जो कुछ भी कार्य करते हैं उससे हमारी और हमारे समाज की अच्छाई बुराई जुड़ी होती है। मनुष्य शास्त्र पढ़ता है और शास्त्र से ज्ञान प्राप्त होता है। खजाने में हाथ डालने से जिस तरह धन की प्राप्ति होती है उसी तरह यदि ज्ञान रूपी गंगा में तैरा जाए तो तन और आत्मा दोनों पवित्र हो जाते हैं। शास्त्र में ये बातें बहुत शोध करके लिखी गई हैं। जवाब तुम्हें इस युद्ध में देना होगा, कर्तव्य पूरा करो। युद्ध नहीं है, यज्ञ है, ये अवश्य जीतोगे। सच्चा ईश्वर बसा है तो उसकी जीत निश्चित है। और तुम तो एक नेक इंसान हो, शुद्धता तन में नहीं मन में धारण करना चाहिए। जाओ उसकी सहायता करो। तुम हाँ।
गया हूँ। जिस तरह तुम्हारे बाप को ऊपर पहुंचाया वैसे तुम्हें भी ऊपर पहुंचाऊंगा। अपनी प्रतिज्ञा मैं पूरी करूंगा, उसके लिए कोई भी कीमत तू मुझे नहीं रोक सकता। मेरे पिताजी की जान ली और मैं भी आज तुम्हें उसी जगह पहुंचाने वाला हूं। मेरे पिताजी ने तुम्हारे पिताजी की जान बचाई और बदले में तुमने मेरे पिताजी की जान ले ली। बिना पिता के जीवन क्या होता है ये न तुम पहले जानते थे और न जान पाओगे। तुम्हारा जीवन बेकार है, उससे छुटकारा मैं दूंगा। नहीं, नहीं। पद्मनाभा कुचल डालो इस पापी को। Oh, my God.